पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सादर मनुलाईता सुना सादर मनुलाईत सादर मनुलाईता सुना सादर मनुलाईता राम कथा कालिका कालिका सादर
बाप, फिर एक बार सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस महाकाली, इस बार की नवदिवसीय कथा का केंद्र बिंदु है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। एक तो राम कथा स्वयं कालिका, जिसका कुछ हमने दर्शन किया। दूसरी साक्षात काली यहाँ विराजमान है कालिका के रूप में, जो ठाकुर की परम आराध्या रही, परमहंस देव की। और तीसरी गंगा के रूप में जो बह रही है, वो भी कालिका है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तो समझ में आता है, लेकिन तीन गंगा का संगम तो कलकत्ते में ही हो सकता है, जहाँ तीनों गंगा मिल रही है। एक तो काली के रूप में, एक राम कथा के रूप में, और एक प्रवाहमान कालिका जो गंगा जी है, क्योंकि गोस्वामी जी विनय पत्रिका में गंगा जी को कालिका कहकर पुकारते हैं। तो आइए हम आज गंगा कालिका का थोड़ा दर्शन करें कि वो कालिका क्यों है। मालकोश ठीक से इन पंक्तियां आपको याद है, बहुत बार मेरी व्यासपीठ ने गाया है, आप भी गाने की कोशिश करिएगा सुर में। भगवान शंकर के वैसे बहुत से राग प्रिय हैं। शंकर जी सकल कला गुण धाम है, लेकिन शिव के प्रिय रागों की श्रेणी में एक राग मालकांश माना गया है। शिव का बड़ा प्यारा राग है, इस राग के प्रति शिव को बड़ा अनुराग है। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ चकोर चंदिनी।
तव तीर गोस्वामी जी कहते हैं तीर तुलसी तव तीर तुलसी तव तीर तीर तुलसी तव तीर तीर सुवीरत रघुवंश चरत मति देहि चरत मति देहि बिचरत मति देहि बिचरत मति दे मोह महिष कालिका महिष कालिका मोह महिष काली मैया की रामायण मैया एक गंगा का बूंद यदि किसी पापी के पाले पड़ जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। इन दिनों में हम तीन गंगा में नहा रहे हैं। एक तो माँ कालिका के आशीर्वाद छाया इस पूर्व भारत पर पूरे समूचे विश्व पर, दूसरी हम और आप राम कथा के इर्गिर्द में बैठे हैं, और तीसरी पुनित प्रवाहशील भगीरथ नंदिनी श्री गंगा तुलसी कहते हैं। तेरे तीर पर, तेरे तट पर, तेरे दो किनारे पर, इसलिए दो बार तीर शब्द का प्रयोग। देखो गंगा के चार हाथ क्या, उनका काला रंग क्या, वहां शिव क्या और वहां की जबान क्या, वो शास्त्र और कुछ अनुभव के तौर पर विनम्रता से प्रतिपादित करना है। बहुत गहराई से सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि विषय बहुत गहन न हो जाए, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ कहकर लाइट कर देता हूं ताकि आप फिर ताजे हो जाए, स्फूर्त हो जाए। तो बाप माँ गंगा भागीरथी गंगा, उसके तीर तीर तुलसी तव तीर तीर, दो किनारे तेरे किनारे पर,
कोई रघुवीर का स्मरण करते करते जो चलता रहे ना, तो विचरत मति देही मोह महिष कारिका। मैं आपसे निवेदन करूं, कलकत्ते में तो गंगा है, कोई गंगोत्री में रहे, गोमुख रहे, हरिद्वार हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, विश्वनाथ की नगरी में प्रयाग में गंगा सागर। लेकिन आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करना चाहिए, जरूर करिएगा। लेकिन क्या राम कथा सुनने के बाद ऐसी मानसिकता आप नहीं बना सकते कि जब मॉर्निंग वॉक करने जाए तब ऐसा सोचे कि मैं गंगा के दहिन किनारे पर चल रहा हूँ। केवल भाव दशा बदलने हैं, और लौटते हो तब समझना कि मैं बाईं ओर से आ रहा हूँ। इतनी भाव दशा बदलने से रोज गंगा के दोनों किनारे पर चलने का एक भाव प्रकट होता है। तुलसी तवत पीर तेर, लेकिन गंगा के भाव से जब वॉक लो तब इतने समय कम से कम व्यापार के विचार मत करना, धंधे के विचार मत करना, हो सके तो वैसे विचार रुके नहीं जाते। मैं समझता हूँ लड़के लड़की की शादियों का विचार, सुमिरत रघुवंश मीर, हरी 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 जो तुम्हारा मंत्र हो, जिस नाम में आपकी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अल्लाह अल्लाह करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, करो हरी बोलो, वली बोलो, अली बोलो, क्या फर्क पड़ता है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये लेकिन पानी सब में एक। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तत्वतः वो परम सत्य एक है, क्या फर्क, किसी भी नाम ले लो। स्वामी रामानुजाचार्य भगवान तो कहा करते कि विश्व में कोई भी पदार्थ का पहला अर्थ परमात्मा का नाम है, दूसरा अर्थ उपयोगिता के अनुकूल है। स्वामी रामानुजाचार्य भगवान को कोई घड़ी बता दे तो कहे ये क्या है, तो बोले परम राम है, लेकिन दूसरा अर्थ कहेंगे कि ये काल सूचक यंत्र है, काल दिखाता है, समय दिखाता है। पुष्प बताओ तो वो नहीं कहेंगे कि फूल, बोले ये तो हरि है, ये तो कृष्ण है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ का पहला अर्थ है परमात्मा, दूसरा अर्थ है उपयोगिता। इस भाव बना करके हम गंगा के तट पर चल रहे हैं, और ऐसे नहीं सुमिरत रघुवंश वीर, हरि का स्मरण करते करते रघु का वंश, रघु लघु नहीं है, उसका नाम रघु, जो लघु नहीं, जो दीर्घ है, जो विशाल है, जो संकीर्ण नहीं है, जो संकुचित नहीं है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जहाँ नहीं है, जहाँ दुनिया संकीर्णता से कुपमंडुकता के बस में नहीं होती है, रघु का एक अर्थ है विशालता। राम लघुवंशी नहीं है, रघुवंशी है, विशाल वंश। इसलिए राम के वंश का दूसरा नाम है सूर्य वंश, जो सबको परम प्रकाश प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। तो राम बहुत विशाल है, विशाल है वो ही राम है, राम विशाल है, ये तो एक अर्थ। लेकिन दुनिया में जितनी विशालताएं हैं उसी का नाम राम है। तो हरि का कोई मामा कर चले, जो जिसको रास आए, ठाकुर क्या कहता था, राम माँ 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 क्या, लेकिन गोपाल गोविंद आदि नाम को सुनते ही उसको समाधि लग जाती थी परमहंस देव को। और माँ शब्द तो बोला ही नहीं जाता, माँ बोले ही, और कभी शारदा जी कुछ बुलाएं और कोई शिष्य आकर कहे ठाकुर माँ बुला रही और समाधि, वरना तो घरवाली बुलाए तो उपाधि आती है, समाधि नहीं आती, लेकिन यहाँ समाधि लगती थी साहब। ये है उनकी जीवन यात्रा का रहस्यपूर्ण रहस्य। एक बार बंगाली भाषा में माँ को याद करें।
कहते हैं ये ठाकुर को बहुत प्रिय था। आमी दूर गा चर्चा चल रही है बाप, कोई भी परम का नाम लेकर हम गंगा के तट पर टहल रहे हैं। इसी मानसिकता से कोई यात्रा करेगा तो मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली ये गंगा रूपी काली का बहुत प्यारा विचार, बहुत प्यारा प्रकाश, बहुत प्यारा निर्णय प्रदान करेगी। जरत मति देही मोह महिष कालिका। मति देही का मतलब है यहां जो तुझ में था उसका अनुभव कराना। कोई गुरु किसी को ज्ञान देता नहीं है, उसमें जो दबा हुआ है उसको केवल प्रकट करने की चेष्टा करता है। एथेंस यानी वो सुकरात, सोक्रेटिस,
उसने कभी किसी को बोध नहीं दिया। कोई भी युवक उनके पास जाता तो उसको प्रश्न करते, उनमें जो पड़ा होता है उसको वो निकालता था। जब कोई पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते, आप बोध क्यों नहीं देते, तो कहते मेरी माँ बच्चों को जन्म देने वाली दायण रही, मैं उनका बेटा हूँ, और जो बच्चे को जन्म दिलवाती हैं वो केवल गर्भ में जो बच्चा है उसको प्रकट करने का ही काम करती है। गर्भ तो ऑलरेडी है। वैसे सदगुरु का काम होता है कि जो पड़ा है उसको उद्घाटित करना, विमोचित करना, इस द्वार को खोलना। तो कोई माँ तेरा नाम लेकर तेरे तट पर चले तो आपको वो निर्मल मति, वो विशुद्ध मति प्रदान करती है तू, क्योंकि तू मोह महिष काली का मोह रूपी। क्योंकि हमारी बुद्धि अद्भुत है लेकिन मोहवश होने के कारण वो मलिन हो जाती है। इसलिए कभी हमको जासु कृपा निर्मल मति पावं, जानकी के पास जाना पड़ता है कि आपकी कृपा से हमारी मति निर्मल हो। तो इसका मतलब है कि हम में जो पड़ा है उसको उद्घाटित कर देगी माँ, प्रकट कर देगी। एक मंत्र उपनिषद का हम बोले इसी बात को जरा दृढ़ करने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आप सब इस मंत्र का विभाग करके मैं क्रम में उच्चारूँ और आप भी कृपया बोले गए। उपनिषद का नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसी का एक मंत्र है, बड़ा प्यारा और बहुत सरल मंत्र। इस उपनिषद का करीब करीब आखिरी मंत्र है। उपनिषद में कहीं कहीं उसको अग्र दिया है, मेरी समझ में आखिरी इसी उपनिषद का अंतिम मंत्र करीब करीब है। खैर जो गणना में हम न जाए लेकिन उसको गुने गुनगुनाए, उसका रस ले, उसका स्वाध्याय करें। यस्य देवे परा भक्ति, बड़ा प्यारा मंत्र है, बच्चों को सीखने जैसा है। अब जब बात आई है तो एक बात और विशेष कहकर आगे बढ़ूं कि आप इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते, जरूर पढ़ाना चाहिए, पढ़े पढ़ना कि दुनिया की भाषा है इंग्लिश, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके घर में बच्चे कुछ श्लोक भी बोले, कुछ मंत्र भी बोले, कुछ चौपाइयाँ बोले, ऐसा भी थोड़ा समय निकाल। आपको जो 8 कलाक मैंने फ्री रखे हैं ना, 8 कलाक काम करना, 8 कलाक सोना, 8 कलाक जो फ्री, 8 घंटे जो इनमें ये सब आयोजन करना कि बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा स्वाध्याय करें। बच्चे मानस की चौपाइयाँ, दबाव मत डालना। हाँ मैं दबाव का विरोधी हूँ, प्रेशर नहीं, प्रेम करो। अभी मैं वो हमारे इलाहाबाद के शायर की पंक्तियाँ सुनाता, अभी सच बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो सच बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। उसको डांटते रहोगे डांटते रहोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। जिसके बच्चे इनके माँ बाप से नहीं मानते हैं ना, वो बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं आ कह दूँ फिर माँ बाप बोल नहीं सकते। कड़े से कड़े निर्णय लोग मेरे से करवाते हैं जो माँ बाप नहीं कर सकते, और मैं भी जब निर्णय दूंगा तब मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय देता हूँ। अभिप्राय ये है प्यार से, दुलार से, वात्सल्य से। पौधे को खींच कर बड़ा नहीं किया जाता वरना मूल निकल जाएगा। पौधे को आप बड़ा करना चाहते हैं तो मूल में प्यार सींचो। अब तुलसी का पौधा आपने बोया और कहे कि नहीं नहीं हमारे आंगन में तुलसी एकदम बड़े हो जाए, और खींचो तो गमले से निर्मूल कर दोगे आप।
ईश्वर के चरणों में चढ़ाने के योग्य नहीं बचेगी तुलसी। खींचा नहीं जाता बड़ा करने के लिए, मूल में सींचा जाता है। खींचो मत, सींचो, ये भी एक मैनेजमेंट का सूत्र है। किसी वस्तु को खींचो मत, सींचो, ये मेरी व्यासपीठ का मैनेजमेंट है। हाँ, ये उधार नहीं है साहब, बड़ा नगद है, बिना फीस का है। किसी को खींचो मत, सींचो। किसी के हाथ को खींचना नफरत है, किसी के हाथ को प्यार करना सींचना है। किसी के सामने आंखों से तिरछी आंखें करके ऐसी निगाह करना खींचना है। मोहब्बत की दृष्टि से देखना सींचना है। पर ये सत्य बोलना सींचना है, कटुता से उग्र भाषण करना खींचना है। निर्णय करो कथा सुनकर आप खींचने के पक्ष में है कि सींचने के पक्ष में। सींचो, बच्चों को लोग खींचते हैं, ये करो ये करो। हम हमारे गुजरातियों में तो ऐसा कहा जाता है कि गुजराती लोग बच्चे को बहुत मारते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा मारते हैं, लेकिन नाम गुजरातियों का पहले आ जाता है। तो गुजराती लोग बहुत पीटते हैं बच्चों को, मारते हैं। गुजराती में एक शब्द से ढीबे है, ढीबे नो कोई अंग्रेजी न था, ये नो हिंदी न था, ये तो जो छोकरू जाने मन ढीबे हो। तो अब वो गुजराती लोग विदेश में जाते हैं तो वहाँ तो बच्चों को पीटा नहीं जाता, क्योंकि बच्चे भी एक टेलीफोन नंबर जानते हैं। माँ बाप ने यदि पीटा ही तो वो डायल करते और पूँ पूँ करती, पुलिस वान आ जाती और माँ बाप को उठा जाते। विदेशों में माँ बाप यदि कार ड्राइविंग करे और बच्चे को अच्छा न लगे, इतनी स्पीड से जाए, तो बच्चा पीछे के शीशे से कोई पुलिस वान आती है तो संकेत कर देते, ऐसे मेरे पास प्रमाण है। बच्चे को पिछली सीट में मिस्टर अहियाँ बैठो, मिस्टर अहियाँ बैठी हो, मिनिस्टर मिनिस्टर। एक भाई ड्राइव करते थे, पति और पत्नी अंदर, दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, तो पंक्चर हुआ और वैशाखी धूप, कोई साथ में नहीं। तो बेचारा नीचे उतरा, सेठ स्पेयर व्हील निकाला, ये करे ये करे, चढ़ाया गाड़ी को, ये केला, और वो बैन नीचे उतर कर इतना बोले, हमको पता है आप जब भी ड्राइव करते ना कुछ न कुछ विघ्न आता ही। हमने कहा था आपको कि शुकन जोई ने वर घोड़े चढ़ो वर राजा, लेकिन तू इतना बोले, बोल 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 बोल। तो एक बगल से एक गाड़ी दूसरी निकली, तो उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और जो शेठ स्पेयर व्हील चढ़ा रहा था उसको कहा, भाई साहब कोई काम है? बोले हाँ एक काम है। क्या? इनसे बातें करो, ये जो बोल बोल करती है ना उससे 5 मिनट कृपा करके बातें करो ना, तब तक मैं ये चाक चढ़ा लूं। तो बच्चे ऐसा संकेत कर देते, उसको स्पीड रास नहीं आती तो कुछ संकेत करते और तुरंत गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो बाप, गुजराती लोग मारते रहते, तो वहां तो पीटे नहीं जाते, इसलिए साल में एक बार गुजरात आते सब परिवार नाम यात्रा का, और साल भर का बच्चों को पीट लेते हैं। सींचो, खींचो मत, युवानी को सींचो प्यार मोहब्बत से, उसको खींचो मत। पौधा खींचने से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, जड़ों में प्यार सींचने से घटना। तो अभी सच बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। सलीके से, एक एक सलीका होता है, एक शैली होती है जीवन जीने की।
ऐसे कोई जीना सीख ले तो धन्य हो जाता है। मैंने कल भी एक शेर कहा था शायद कि उठाकर रास्ते से उसे रिंदों में ले आओ तो ये पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा, पत्थर मूर्त बन जाएगी, मूर्ति बन जाएगी। तो इन बच्चों को थोड़ा श्लोक, थोड़ी चौपाइयाँ, अपनी भाषा थोड़ा सीख, घर में वातावरण बना। अंग्रेजी पढ़े उनमें कोई विरोधी थोड़ा, अंग्रेजी हमको अंग्रेजी नहीं आती तो उसके विरोध करे, इतना मैं ना समझ नहीं हूँ। अंग्रेजी जरूर पढ़ानी चाहिए लेकिन अंग्रेजी हमारे यहाँ काम करने वाली है, माँ नहीं है। नौकरानी शब्द मैं नहीं कहूँगा लेकिन हमारे यहाँ काम करती, काम की भाषा है कि दुनिया में कहीं भी जाओ अंग्रेजी में काम चलता है। तो ये काम करने वाली है, जन्म देने वाली नहीं है, दूध पिलाने वाली नहीं। दूध पिलाने वाली बंगाली है, दूध पिलाने वाली हिंदी है, दूध पिलाने वाली संस्कृत है, दूध पिलाने वाली गुजराती है, मराठी है, असमिया है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, हर प्रांत की बोली, अपनी अपनी बोली का आदर करो। तो बच्चे कुछ सीखे, कुछ उसको स्तोत्र सिखाओ। तुम्हारे 8 घंटे जो मैंने आपको दिए हैं ये तो मेरी ओर से दिया, आप मुझे पता है कि आप क्या करोगे, लेकिन फिर भी मैं तो एक ठीक है। एक एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य किसको कहते और भ्रम किसको कहते, सत्य किसको कहते और भ्रम किसको कहते। बोले साहब सीधी सी बात है, आप हमको पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो सत्य है, लेकिन आप जो मानते हैं कि हम सीख रहे हैं वो आपका भ्रम है। तो मैं राम कथा कहता हूं वो तो सत्य है लेकिन 6 तारीख के बाद क्या होगा वो आप कहोगे कि बापू आप जैसा कह गए ऐसा हम करेंगे, ऐसा आप मानेंगे तो ये आपका हाँ नहीं। मैं तो फिर भी श्रद्धावान हूं कि आप इतने आदर से सुन रहे हैं तो आप क्यों नहीं मानेंगे। यदि आपको मानना नहीं होता तो क्यों यहीं आते, आप आए हैं यही साबिती है कि आप कुछ चाह रहे हैं। आपकी भक्ति ये व्यक्ति की भक्ति नहीं है, ये विशालता की भक्ति है, व्यास की, व्यास बानी विशाल दृष्टि, व्यासपीठ की महिमा है। व्यक्ति तो आज है कल चला जाता है, व्यक्ति को पकड़ना भी मत, उसके वक्तव्य को पकड़ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हनुमान जी का ये सूत्र है, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में तरुपल्लव महारहा लुकाई जब छिपे बैठे थे, माँ जानकी बहुत दुखी हो रही थी तो उसी समय उसने मुद्रिका डाली और राम कथा गाने लगे। तो माँ ने कहा इतनी श्रवणामृत कथा तो सुना रहा है तो तू प्रकट क्यों नहीं होता, सामने आ। तो हनुमान जी तुरंत सामने आ गए। हनुमान जी कहीं भी गए ने तो वेश पलट कर गए लेकिन जानकी के सामने मूल रूप में प्रकट। जानकी भक्ति है, भक्ति के सामने बड़ों बड़ों को अपने मूल रूप में ही पेश होना पड़ता है, वहाँ दंभ नहीं चलता, वहाँ दूसरा रूप नहीं चल सकता। जैसे हनुमान जी प्रकट हुए तो जानकी ने मुंह फेर दिया कि ये तो बंदर है। अब किसी को आप निमंत्रण दे कि आप हमको कथा सुनाओ और फिर वो सुनाए और आप मुंह फेर दे तो ये उसका तो अपमान हो जाएगा। लेकिन मेरे हनुमान जी ने बहुत अच्छा अर्थ निकाला कि माँ तू मुंह फेर गई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कथाकार का मुख देखने जैसा नहीं है, उसके मुख की वाणी ही सुनने जैसी है। व्यक्ति को नहीं वक्तव्य को पकड़ो। ठीक है व्यक्ति के प्रति आदर ये अच्छी बात है, ये हमारी भारतीय शालीनता है। बाकी मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह कि व्यक्ति को मत पकड़ना, वक्तव्य। हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को पकड़ लेते, वक्तव्य की ऐसी तैसी, हमने गुरु को पकड़ा, गुरु वचन नहीं, गुरु का आंखों ना को पकड़े ले दो, गुरु की बोली एक छोटी सी सूत्रात्मक वाणी भी नहीं पकड़े तो ये ठीक नहीं होगा। मेरी गुरु को भी आदर दो,
इसी मंत्र में गुरु की ही तो महिमा है जो मैं बुलवाने जा रहा हूं, आखिर क्या है उसमें। लेकिन ये बात साफ होनी चाहिए कि गुरु एक तत्व है, गुरु स्वयं अस्तित्व है, व्यक्ति है ही नहीं। काम करते दिखाई दे और वस्तुतः कोई काम न करता हो वो व्यक्ति नहीं हो सकता, तत्व ही हो सकता। सब कुछ काम करे और अंदर से कुछ भी काम न करे तो व्यक्ति नहीं हो सकता, तत्व होता है। कुछ भी न करे और उनके द्वारा उनके होने से सब कुछ होता रहे, ये व्यक्ति नहीं हो सकता, तत्व होता है। इस बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र को समझिएगा। शायद मैं पहली बार कह रहा हूं इस कथा में ये बात, आप अब फिर से सुनिए। सब कुछ करे लेकिन लगे कि कुछ नहीं करता है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता, तत्व हो सकता। कुछ भी न करे और लगे कि उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ये व्यक्ति नहीं होता, तत्व। और उसके लिए मैं आपके सामने दो उदाहरण पेश करना चाहूंगा, और ये दोनों परम अवतारों का उदाहरण, राम और कृष्ण। कृष्ण कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं युद्ध के मैदान में कुछ नहीं करूंगा, हथियार नहीं लूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरा महाभारत उनके द्वारा ही हुआ है। आदमी करता कुछ नहीं, मैं निहत्था रहूंगा, यह उनकी प्रतिज्ञा है। मैं एक सामान्य से सामान्य सारथी होऊंगा। हम कहां थे वो पकड़ रखना हो बेटा, क्योंकि मेरा प्रवास शुरू हो गया, मैंने अवतार आ वैसा है, मैं क्या करूं, मैं अपने बस में नहीं हूं। कभी कभी मैं कथा को बहाता नहीं, कथा मुझे बहा ले जाती है, कथा फोर्स करती है, एक बहुत बड़ा एक फोर्स लगता है, और ये मेरी निजता है, इसलिए मैं उसी में डूब जाता हूं, उसी में ही रहता हूं। निजता में नहीं, जे वो आत्महत्यारा है, वो आत्महंता है जो अपने आत्मा की हत्या कर देता है। आत्मा मरती नहीं लेकिन स्वभाव च्युत होकर जीता है, वो आत्मा को भी मार देता है। वरना आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन एक आदमी संसार में ऐसा होता है जो तुम्हें स्वभाव के विपरीत तुम जीने लगो तब तुम आत्महंता बन जाते हो, आत्मा को भी मार देते हो, इतने घातक हो जाते हो जहां शस्त्र नहीं छेद सकते यही आत्मा को, ऐसी स्थिति। तो भगवान कृष्ण कहते मैं कुछ नहीं करूंगा, सारथी बना। तुलसीदास जी सारथी के लिए एक शब्द यूज करता है, ईश भजन सारथी सुजान, ईश भजन सारथी सुजान, अविरति चरम संतोष कृपा। गोस्वामी जी कहते हैं सारथी सुजान होना चाहिए, जिस रथी का सारथी सुजान नहीं अयान हो उस रथी को कभी विजय प्राप्त नहीं होती। अब इतना समय भी नहीं, दिमाग में बातें चलने लगती है तो क्या करूं यार, लेकिन कुछ बातें कहेगा। मैं महाभारत का दर्शन करता हूं तो रामचरितमानस का पूरा धर्मरथ कर्ण में है। सलाम करूं इस रश्मि रथी को, कर्ण को, सूर्यपुत्र को। ये आदमी भी दिनेश वंश मंडनम है, ये कोई सामान्य कर्ण है। धरती पर गिरता है तो भगवान व्यास को कहना पड़ता है कि आसमां से मानो आदित्य धरती पर गिरा है।
रश्मि रथी। पांडव पक्ष का नायक कृष्ण है, कौरव पक्ष का नायक कर्ण है। कर्ण और कृष्ण का यह संघर्ष है, पांडव और कौरव तो निमित्त है। दो नायकों, दो किनारे देखिए, कर्ण अद्भुत आदमी। और मैंने खास जब मैं उसके बारे में पढ़ खास करके मूल महाभारत को, तो मेरे रामचरितमानस ने करीब करीब 18 लक्षण धर्मरथ के बताए, मनु ने 10 लक्षण, दशकम धर्म लक्षण, स्मृतिकार मनु, लेकिन तुलसी ने 18 कर दिए, सरल कर दिए, विषय को चौड़ा कर दिया। 18 कर्ण में बिल्कुल सब प्रमाण साथ, उनके समान शूरवीर कोई नहीं, सौरज और उनके समान धैर्यवान कोई नहीं, सत्यवादी है ये तो। सत्य कुसंग में लिप्त हो गया, हीरा कीचड़ में पड़ गया, सोने की रिंग गटर में गिर गई थी, उजाले का बेटा अंधेरे की सेवा में लग गया था, विधि बस सुजन कुसंगति पर ही। गोस्वामी जी के सूत्र को उठा लीजिए साथ, विधि बस कर्ण को लागू होता है, विधि बस प्रारब्ध बस, विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, लेकिन फणि मणि सम निज गुण अनुसर है। कभी कभी सज्जन विधिवश, प्रारब्धवश, कालवश, देशवश कुसंग में लिप्त हो जाता है, लेकिन फणी मणि की तरह अपने गुण को नहीं छोड़ता, कुसंगियों कुसंगियों का गुण नहीं छोड़ता और सज्जन सज्जन का। जैसे फणी अपना विष नहीं त्यागता और उस विष के ऊपर रहा मणि, विष का एक बिंदु ग्रहण नहीं कर, फणी मणि न्याय है। कर्ण के लिए पंक्ति परिचय है, सत्य से उसका शील आय हाय। कभी कभी जरूर उसकी बोली में, लेकिन यह विधि बस सजन कुसंगति पर ही। शीलवान सूरज का बेटा अशीलवान हो ही नहीं सकता साहब, जीवन पर्यंत अपनी मां को नहीं भूला है, ये शील नहीं होता तो भूल जाता। कुंता रो रो कर मरने तुल्य होगी कि तू मेरा, तू जो कहे लेकिन मैं राधे ही हूं, मेरी माँ राधा, क्या मुंह लेकर तू मेरे सामने आती है। अब तेरे बच्चों पर नौबत आ पड़ी, जा तुम्हें वचन देता हूं, तू 5 पांडव की माँ हो ना, तेरे 5 बच्चे रहेंगे, लेकिन अभी तू मुझे फुसला मत, मैं राधा का बेटा हूं। शील है, मूल को नहीं भूला है आदमी, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा क्षमता रजु जोरे, दान परसु दानवीर उनके समान कौन, बुद्धि शक्ति प्रचंडा परम बौद्धिक आदमी, बर विज्ञान कठिन को दंडा। द्रोणाचार्य ने जब समारंभ रचा था कि राजकुमार कितना कितना पढ़े, उस समय जब कर्ण को तो मौका नहीं दिया, लेकिन कर्ण की जो एंट्री होती है सीरियल में भी, महाभारत में भी, कर्ण जो आया शेर शेर के समान होता है, कर्ण कर्ण के समान होता है, उसकी जो एंट्री है, लेकिन हर वक्त उसको दबाया गया, एक सारथी पुत्र कर ये कह करके उसको दबाया गया। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, चल अमल मन त्रोण समाना, समझम नियम सीली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र पूजा उनकी अद्भुत थी, गुरुजनों के प्रति उनकी अद्भुत निष्ठा थी, विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय, उनके पक्ष में ही विजय श्री थी। लेकिन दो बात में मार खा गया आदमी, एक ही पंक्ति धर्मरथ की वो सिद्ध नहीं कर पाया,
ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर भजन नहीं किया इस आदमी ने, ईश्वर के सामने बाहें चढ़ाई, कृष्ण के सामने पक्ष में खड़ा रह गया और उनका सारथी सुजान नहीं था, शैल्य था, शैल्य सारथी, यही बड़ा विचित्र सारथी मिला। अब जब महाभारत में कर्ण कहता है शैल्य को कि अर्जुन के, ये आदमी की एक एक जो प्रतिशोध की बात ही नहीं, सदा अर्जुन के सामने ही जाना चाहता, मुझे अर्जुन के सामने ले जाओ, ये वो कहां का पांडव है मैं देखूं। और जब वो कहता तो शैल कहता है मैं नकुल के सामने ले जाऊं, सौदे के, लेकिन मैं आज्ञा करता हूं कि उसके सामने, बोले उसके सामने ले जाऊंगा ना तो तुम इनको नहीं देख पाओगे, ऐसा तेजोवत करता था, क्योंकि अर्जुन तुम्हें मार देगा, पहले इनको तो देख ले, ऐसा तेजोवत बार बार करता था, पहले इनको देख लो फिर वहां जाने के बाद तो लौटोगे ही नहीं। अर्जुन की सारथी सुजान नहीं था और कृष्ण भजन नहीं था उनका, दुर्योधन की भक्ति कर रहा था। आभारवश तर्जे में दबा हुआ मैत्री को बिलक ढंग से सुन समझने वाला यह आदमी, यही दुर्योधन ने मुझे अंग नरेश बनाया है, अंग देश का राजा बनाया। एकमात्र मानस की पंक्ति साध में टूटी, ईश भजन सारथी सुजाना। सारथी, जीवन के रथ का सारथी सुजान रखना, हमारे जीवन का मार्गदर्शक सुजान हो, हमारे जीवन की गति होने वाली रथ को मार्गदर्शक हमारा गाइड सुजान हो और ईश भजन रथ हो। ऐसे गुरु के शरण में जाना जो ईश्वर भजन में डूबा और सुजान हो। आज एक बहन ने मुझे चिट्ठी लिखी है, नाम भी लिखा है, मैं उसको नहीं करूँ, लेकिन उसने व्यासपीठ से मार्गदर्शन कि मेरा गुरु एक किसी का नाम लिखा है उसने, मैं उनकी शिष्या हूँ, उसने मुझे कंठी दी है, मंत्र दिया है, दीक्षा दी है कुछ साल पहले, लेकिन बाद में खबर नहीं उसकी कथा में मुझे रस नहीं आ रहा है और कुछ खबर नहीं उसको कुछ जैसे कुछ अनुभव हुए हों, तो बोले कि मैं उसी गुरु को छोड़ चुकी हूँ और अब आपकी कथा में आ गई हूँ, तो आप हम आपकी व्यासपीठ साफ सुन लो, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरे सब श्रोता है। अरे साहब, शिष्य तो साल में एक बार जाए गुरु पूर्णिमा, मेरी तो हर कथा गुरु पूर्णिमा, मेरे श्रोता तो जहां मैं गया वहां मौजूद, मैं सही, मेरा कोई, मैं कंठी बांधने का काम नहीं करता हूं, मैं तुम्हारा कंठ पकड़ता हूं, एक बार मैं पकड़ा फिर तुम जानो तुम्हारी। लोग कहते हैं जा नहीं पाते, जा कैसे पाओगे, यद गत्वान निवर्तन्ते, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी। गोपालदास नीरज कभी ओशों की सभा में उसने ये पंक्तियां गाई थी कि ये मस्तों की सभा है, इसमें संभल कर आना, क्योंकि एक बार इसमें जो आ जाता है वो हो जाएगा दीवाना जी। यहां दुई की सुई न चुभती, यहां द्वैत नहीं अद्वैत, समता सबके समादर की बात है, यहां दुई की सुई न चुभती, खुले पतासा पानी में। प्रवास साहब भी कुछ महफिल की इसी तरह की जिक्र करते थे, आज जाने की जिद ना करो, उसके सामने आपने पंक्ति लिखी, क्या आज क्या ना करो, शोक ना करो, कैसे कुछ थी ना, दिल जलाने की जिद ना करो। हाँ, अब लोग क्या कहते हैं पता है प्रवास साहब, कि बापू अब जब जब जहां जहां आपकी कथा हो ना वहां प्रवास साहब को भी ले आना। हाँ हाँ, बाबा साधु, ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ बापू, मैं चरणों में आपके समर्पित कर रहा हूँ। दिल जलाने की जिद ना करो,
दिल जलाने की जिद ना करो, यूं सताने की जिद ना करो, फिर चटक जाएगा आईना, फिर चटक जाएगा आईना, मुस्कुराने की जिद ना करो। अच्छा शेर, फिर चटक जाएगा आईना, अच्छी बात, मुस्कुराने की जिद ना करो, हार जाएंगे हम आपसे, हम बापू पहले ही कह रहे हैं, हार जाएंगे हम आपसे, आजमाने की जिद ना करो। अच्छी बात, हार जाएंगे हम आपसे, आजमाने की जिद ना करो, तुमको जी भर के देखेंगे हम, उसी मिसरे को गिरह किया मैंने गजल में, तुमको जी भर के देखेंगे हम, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, फूल से भी तो नाजुक हो तुम, फूल से भी तो नाजुक हो तुम, गम उठाने की जिद ना करो, और चांद शर्मा के छुप जाएगा, मुंह दिखाने की जिद, मुंह दिखाने की जिद ना करो, मुंह दिखाने। और अंतिम शेर बापू पढ़ रहा हूं, पास आए हैं बापू के हम, पास आए हैं बापू के हम, अब हटाने की जिद ना करो, अब हटाने की जिद ना करो। और शेर सुनिए, सुन रही हैं खड़ी आंधियां, नया शेर है गजल का, सुन रही हैं खड़ी आंधियां, घर बनाने की जिद ना करो। और अंतिम से शेख, मस्जिद करीब आ गई, शेख मस्जिद करीब आ गई, लड़खड़ाने की जिद ना करो। अच्छी बात, इसमें व्यक्ति को मत देखना, वक्तव्य को पकड़ना, इसमें वैश्विक मैसेज क्या है उसी की ओर मेरे सावधान श्रोता लक्ष्य रखे, किसी व्यक्ति को न रखे। तो आज राघव ने अच्छा गाया था, भरत ने भी अच्छा गाया था, फिर भरत को ऐसा न लगे कि मेरा मेरे घर में गाया जा रहा था और मेरा ही नाम कमी कर दिया जाए। इसी गजल पर एक बार हम मेरठ बरेली मुरादाबाद में सुबह के 5 बजे थे, करीब कौन अपना आशु अमितोष, कितने 10-15 लोग थे बैठे थे। अब मैंने कहा अब हमको नहाने जाने दो 5 बजे, बोले अब हारमोनियम छूट गया, सब छूट गया था, आ गए आप झूले के पास, फिर ये उठाया था। कभी कभी महफिल जम जाती है, तो यही सत्संग है साहब, कोई कुछ भी अर्थ करे तो करे। तो ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बापू में आपकी कथा में आ गई हूं, और कभी कभी आपने ये भी कहा कि ऐसा लगे तो गुरु भी छोड़ो। मेरा निवेदन नहीं है, तुलसी जी का निवेदन है, उसके आधार पर बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनी तन, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो आप ठीक
करते हैं, लेकिन अब दूसरी बार दूसरे किसी में बंधना मत, वहां से छूटे। प्रभात साहब कहते ना कि एक बेड़ी तोड़ू तो दूसरी डाले, नहीं। आप श्री कृष्ण को गुरु क्यों नहीं बनाते? आप वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप महादेव को गुरु, अरे रामायण को गुरु बना लो ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कभी धोखा ही ना हो, शोषण ना हो। मैं इस बात पर, व्यक्ति को नहीं वक्तव्य को पकड़ो। तुलसीदास जी गुरु को पकड़ने के बाद कहते हैं बंदौ गुरु पद। गुरु कमजोर हो सकता है, हो सकता है, गुरु पद कभी कमजोर नहीं होता, गुरु की पादुका कभी कमजोर नहीं होती। हो सकता है गुरु कमजोर हो, जैसे शुक्राचार्य कमजोर हो गए, द्रोणाचार्य एक भील को नहीं पढ़ाऊंगा इसी बात पर कमजोर हो गए और फिर दक्षिणा मांगने गए, गुरु कमजोर सिद्ध हुआ, गुरु पद नहीं। इसलिए मेरा तुलसी बहुत व्यापक विचार से कहते हैं, गुरु का नाम तक नहीं लिया उसने व्यक्ति के रूप में, कहते हैं मैं किसको प्रणाम करता हूं, बंदाऊं गुरु पद कंज, मुझे उनके चरण और उनके वचन से प्यार है। जासु बचन रवि करनी कर, मेरे गुरु की बोली, मेरा गुरु कितना सुंदर बोलता है, उसका एक एक सूत्र, उसका एक एक वचनामृत मेरे मोह अंधेरे को मिटा देता है, मुझे और क्या चाहिए। मेरे सब श्रोता है, बस यही आपका मेरा रिश्ता है, शाश्वत रिश्ता है। तो जिस बहन ने मुझे पूछा है, आपका निर्णय आपने विवेक से लिया होगा, लेकिन अभी फिर कहीं दूसरी जगह मत बंधना, शास्त्र को गुरु। फिर भी आपको किसी व्यक्ति में भी फिर निष्ठा जग जाए तो ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं कि मैं किसी को, मैं, मेरा एक वाक्य है, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूं, दिशा देता हूं कि इसी मार्ग पर जाओ, सत्य की राह पर चलो, प्रेम की राह पर चलो, करुणा की राह पर चलो। जिस पर थोड़ा बहुत चलने से मुझे फायदा हुआ है, मुझे लगता है आपको भी हो सके, ना हो तो लौट जाना, कहां कोई व्यापार किया है, कहां लेती देती की है। मेरी व्यासपीठ दो चीज बांटती है, एक भक्ति बांटती है, दूसरी मुक्ति बांटती है, यानी आपको मुक्त करती है, फ्री रहो, निजता में जियो। इसका कोई गलत अर्थ न करें कि गुरु परंपरा गलत है, ये पूरा अस्तित्व गुरु परंपरा पर टिका है, लेकिन गुरु कैसा हो कबीर को पूछो। साधो सो गुरु सत्य कहा है, साधो सो गुरु सत्य, गुरु शब्द उपनिषद का है, उपनिषद ने सदगुरु शब्द का प्रयोग किया ही नहीं, सद लगाया ही नहीं उपनिषद ने। सद शब्द आया है मध्यकालीन समय में, 1500 1600 1700 20 शताब्दी में इस सद शब्द तुलसी ने यूज किया, नानक ने यूज किया, कबीर साहब ने बहुत किया, गुरु के आगे सद शब्द लगाना पड़ा, क्योंकि असद गुरुओं की बोलबाला होने लगी थी। अब गाय का घी हो डिब्बे में तो उसके आगे शुद्ध घी लिखने की क्या जरूरत, घी शुद्ध ही है, लेकिन डालडा आ गया इसलिए शुद्ध लिखने की जरूरत हो गई, आवश्यकता आ गई, क्योंकि ऐसा होने लगा। यह आलोचना नहीं है, केवल दर्शन है, पत्थर पत्थर है, फूल फूल है, इसमें पत्थर की आलोचना नहीं है और फूल की प्रशंसा नहीं है, ये उनके स्वभाव का दर्शन है, खार खार गुलजार गुलजार, इसमें कांटे की कोई आलोचना है और खुशबू की कोई सराहना नहीं, इनके स्वभाव का दर्शन है, और स्वभाव दर्शन करना कराना इस सदगुरुओं का कर्तव्य है। तो कबीर साहब कहते हैं साधो
सौ गुरु सत्य कहा है। कबीर साहब के बहुत से पद अद्भुत, इनमें से ये पद बहुत अद्भुत है। हमने सान होजे की कथा में उसकी व्याख्या की थी, कभी मानस सदगुरु पर बोला जा रहा था। कुछ कुछ कहूँ हाँ मेरे आनंद के लिए, हाँ आपको भी आनंद आएगा। लेकिन साधो सौ गुरु सत्य कहा है, वो गुरु सदगुरु सत्य कहा है, मीन्स वो गुरु सदगुरु माने जाए। सत्य गुरु सदगुरु, कोई नैनन में अलख दिखावे, दृष्टि में जो परम का दर्शन करा दे, सौ गुरु सत्य। गुरु क्या कहता है? दीक्षा भिक्षा तो जो समर्थ महापुरुष होते हैं आचार्य वो दे सकते हैं अवश्य। इस दीक्षा का मार्ग गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, एक हमारी परंपरा है जहां सदगुरु दीक्षित भी करता है, सीधी सी बात है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं वो सदगुरु हैं जो अपनी आंखों में अलख का दर्शन करा दे। कृष्ण जगत गुरु है, क्या कहते हैं? पश्यमय पार्थ रूपाणि, ले मैं तुम्हें दिव्यम ददामिते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूं और फिर मेरी दी हुई आंख से मुझे देख। नैनों में अलख लखा है, ये बड़ा विरोधी भाषी शब्द है, अलख और लखना। जो अलख है उसको लखना, जो परिचय से मुक्त है उसका परिचय पाना, जो अनामी है उसका नाम खोजना, जो अरूपी है उसके रूप की तलाश करना। नैन में अलख लखावे, साधो सौ गुरु सत्य कहावे। इस युवान भाई बहनों को गुरु की तलाश में सरलता हो जाए, इसलिए इस पद को समझो। ऐसा कहीं व्यक्ति मिल जाए तो उसकी शरण ग्रहो, लेकिन फिर व्यक्ति को ही पकड़े मत रहो, उनके वक्तव्य को पकड़ो। हम चरण पकड़ते हैं, आचरण को नहीं पकड़ते। चरण स्पर्श का मेरा अर्थ है आचरण का स्पर्श, सदगुरु के आचरण का स्पर्श। चरण तो बहुत सस्ते हैं साहब, आचरण कठिन है। साधो सौ गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन में अलख लखावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे। हाय हाय, डोलत डिगे ना, कोई उसको डुला नहीं सकता। प्रतिष्ठा से, पैसों से, प्रशंसा से आदमी को डुलाया जाता है, तीन प्रलोभन से पैसों से डुल जाता है। यदि कोई ऐसा हो कि पैसों की ऐसी तैसी, तो पद दे दो, आदर दे दो, पद से डोल जाएगा। पद से भी नहीं डोलेगा तो तीसरा शस्त्र तो सफल हो ही जाएगा, प्रशंसा करो कि आपको तो पद की भी जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, बस प्रशंसा शुरू करो और डोले। डोलत डिगे ना, किसी भी वस्तु से ये चराग बुझ नहीं सकता। एक शाम हमने चरागों से सजा रखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने हवाओं से शर्त लगा कर रखी थी कि उसका चराग बुझा दो। जो डोले ना और न बोलत बिसरे, जो बोलेगा वो भूलेगा नहीं। किसी को एक बार कह दे कि नहीं नहीं चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर वो ऐसा कभी नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं बोला। बोलत न बिसरे, वो सदा सदा स्मृति में रखेगा। शिष्य खाक रखता है गुरु को स्मृति में, सही में तो गुरु ही शिष्य को स्मृति में रखता है। लोग मैं बार बार ये मेरा अनुभव में कह रहा हूं कि हम परमात्मा का स्मरण थोड़ा करते हैं, परमात्मा हमारा स्मरण करता है, इसलिए हम स्मरण करते हैं। ये बड़ा रेंटिया का बड़ा चाक है, यार बड़ा चक्र गांधी जी का, वो जो बड़ा है उसको एक बार घुमाओ तो वो तकली है हजार बार घूम जाएंगे। वैसे सदगुरु हमें एक बार याद करता है, इसलिए हम 24 घंटों उसको याद करते हैं। तकलीफ की तरह करुणा तो उनकी है, मूल में तो वो पड़ा है साहब, हम क्या उसको स्मरे।
फुर्सत कहाँ है हमको उनको स्मरने की, इतने इतने प्रलोभन चारों ओर बिखरे हुए हैं, उनमें सदगुरु कैसे याद आए। ये तो करुणा है उनकी कि वो हमें याद करता है। कभी कुछ मत मांगना परमात्मा से, इतना ही मांगो कि मेरा गुरु मुझे याद करे, मेरा सदगुरु मुझे अपनी स्मृति में रखे। ये कोई कम है कि करीबे निगाह हूं जिसकी कृपा दृष्टि को हम महसूस करते रहे। कहने को हूं फकीर लेकिन बादशाह हूं। डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश दृढ़ावे, ऐसा उपदेश दृढ़ करे। जब तक जोग क्रियाते न्यारा सहज समाधि सिखावे, जब तक जोग क्रियाते न्यारा, क्या अर्थ उसका? जप तप योग और क्रिया, इनसे न्यारा, इनसे परा, इनसे दूर। कलकत्ते से आप कहो कि मैं कलकत्ते से निकल गया, इसका मतलब आप कबूल कर रहे हैं कि आपने कलकत्ते में प्रवेश किया था। चाहे बाईपास क्यों न गए हो, बीच में से न निकले हो, लेकिन आपने कहा कि हम कलकत्ते को पास कर गए, इसके मतलब कि बीच में आपको। कबीर ये नहीं कहता कि जप तप व्रत और क्रिया छोड़ो, इनसे मैं न्यारा हो गया हूं, मैं करते 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 अब उसको मैंने अतिक्रमण कर दिया है। जबकि निंदा नहीं है, तप की आलोचना नहीं है, क्रिया योग को मिटाने की और जोग की उपहास नहीं है, सदगुरु वो है, वो करते 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 सबसे न्यारा हो जाता। ये बिना न्यारा नहीं हो सकता आदमी, पहले करना होता है फिर क्रिया से मुक्त होता है। व्यासपीठ को छोड़ने के लिए पहली शर्त है मुझे व्यासपीठ पर बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ न बैठूं और कहूँ कि मैंने व्यासपीठ छोड़ दी तो लोग उपवास, यहाँ बैठे तो ही। वैसे न्यारा का मतलब है उनसे गुजरने के बाद न्यारा। सोई तो कारीगर न्यारा न्यारा न्यारा, तन बंगले का जिन्हें किया कमठा। ऐसा सदगुरु जो सब करते करते सबसे परा हो गया, परे हो गया। जब तक जोग क्रियाते न्यारा सहज समाधि सिखावे, सहज समाधि सिखाए वो सदगुरु। इसके पतंजलि का विरोध नहीं कि ये आसन में बैठो, क्योंकि पतंजलि ने आठ आठ सूत्र की जड़ी लगा दी, आसन ध्यान धारणा प्राणायाम समाधि ये सब आठ जो है, यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम, ये जो पतंग। यहां कबीर साहब कहते कि सदगुरु वो हैं, गुरु वो हैं कि जो ये सब सिखाए, सदगुरु वो हैं कि कहे नहीं सहज समाधि सिखाए। साधो सहज समाधि भली, सहज आपके शरीर को जैसे अनुकूल पड़े ऐसे बैठो। एक एक कवल खाते समय स्वाभाविक रूप से मानो ब्रह्म को खा रहे इसी भाव से खाओ, हर क्रिया समाधि सहज। हम लोगों ने धर्म के नाम पर सहजता का हत्या कर दी है, आदमी को असहज बना दिया। मैं कई जगह देखता हूं कि कई कई व्यक्ति ऐसे पूजनीय व्यक्ति दबाव डालते हैं कि दंडवत ही करो, ये सहजता नहीं है। उसको जैसे झुकना हो झुकने दो, सहज समाधि सिखा। उसके मन में सहजता आए तो वो उसी न्याय शास्त्र के न्याय से प्रणाम करे, अच्छी बात है, असहजता नहीं। सहज समाधि सिखावे साधु, सो गुरु सत्य कहा। काया कष्ट भूली नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे। हद करते हैं कबीर साहब, हद करते हैं। इस मुलक ने कबीर को सदगुरु ठीक कहा है, इस मुलक को नमस्कार है जिसने कबीर को सदगुरु कहकर पुकारा। काया कष्ट
भूली नहीं देवे, अपने शरीर को भूल से भी कष्ट न दे। धूप में तपाना, सर्दी में यहाँ तक पानी में रहना, उल्टे शीर रहना, ये करें ये सब तपस्वियों को मेरा प्रणाम है, इसकी कोई आलोचना नहीं है, वो भी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन सदगुरु वो है जो काया कष्ट नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि तुम उपवास करो तो ही प्रभु मिलेगा, वो कहता है, ध्यान देना, वो ये नहीं कहता कि उपवास करो तो ही परमात्मा मिलेगा, वो ये कहता है कि उपवास करो तो ही परमात्मा मिलेगा। वो ये नहीं कहता कि उपवास करो तो परमात्मा मिलेगा, वो ये कहता है कि उपवास करो तो ही परमात्मा मिलेगा। उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं, उपमानी निकट, अपने सदगुरु के नजीक जियो, वही उपवास है। वासमानी रहना, हमने इसका मतलब कोई बार त्योहार उपवास करे उसकी आलोचना नहीं है, जो कोई तो उसकी मैं उपवास नहीं करता इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप उपवास ना करो, क्योंकि मुझे तो लोग खाने ही नहीं देते। अब तो सुधर गया, दो दिन तीन दिन से बड़ा अच्छा चल रहा है कामकाज, सब भोजन परोस करके इधर उधर चले जाते हैं, बस सब बस मैं जब मांगू तब आता है। तो अब दो चार दिन से मेरा ध्यान डिश में रहता है, बाकी ये सब कोई भूखा भूखा नहीं, मैं तो विनोद कर रहा हूँ, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन विनोद भी तो सच्चा है। नहीं नहीं यार, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब दो चार दिन से बड़ा अच्छा हो गया, अब ठीक हो गया और जाने को हुआ। फिर नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, खुदा अपने बंदों की खुद करता निगहबानी। नया मंजर, नया बिस्तर, बदलते फकीरों का हम भेष गालिब, यही यही चरे वैती चरे वैती। फिर वही नए गांव में जाएंगे तो फिर 10 आदमी परोसेंगे, हुमलो करता है नहीं मुभाव है, एक रोटली ले, एक आलू ले, एक पूरी ले, एक मटर ले, एक बटाटा ले, एक भज्जू ले, आमा मारा खाऊं केम, तमे मने मारवा आया छो, खवड़ा आया छो, आनंद करा रहा हूं बस। ये वो जो सब्जेक्ट हार्ड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा लाइट, जो पहिया बहुत घूमे ना उसको ऑयलिंग किया जाता है, झूले के कड़े को किचूड़ 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 न बोलने देना है तो उसको ऑयल डालो। इसलिए आप जरा प्रमादवश न हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऑयल ऑयल यानी तेल, तेल को संस्कृत में कहते हैं स्नेह, मैं विनोद और आलोचना नहीं करता, स्नेह युक्त बोली में आपको जरा ठीक से संचालित करता हूँ कि किचुड़ किचुड़ न हो। देह कष्ट न कर। रामनवमी, एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि उपवास करे, सावन महीने में कोई उपवास करे। मैं आपको ये सलाह नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं करता हूँ, मैं सीधी बात है, मैं रामनवमी तक उपवास नहीं करता, पहले बहुत मैंने किया है, मैंने हर नियम को पार किया है साहब, मैं सच मेरे दिल की पोथी खोल रहा हूँ आपके पास, मैं इतना जागा हूँ और इतना भूखा रहा हूँ शायद ये आखिरी 25 साल में कोई रहा हो, 30 साल में कोई रहा हो, इतना मैंने। लेकिन मुझे लगा कि इससे प्रसन्नता मारी जाती है, हमारी निजता खत्म हो जाती है, और जिसको पाने के लिए हम कर रहे हैं वो तो नहीं मिला, शरीर भी जा रहा है। सम्यकता में जियो। गीता ने कहा अत्यंत आहार करने वाला, अत्यंत भूखा रहने वाला, अत्यंत जागने वाला और अत्यंत सोने वाला योग साध नहीं सकता। अति आहार विहार, अति भोजन करना, अति उपवास करना ठीक नहीं, सम्यक। अब लोग कहते भूखे रहो तो भगवान, तो जितने गरीब आदमी जिसको अन्न नसीब है उसको कम से कम भगवान मिल जाने चाहिए थे,
ठंडी में ठिठुरो तो भगवान मिले, तो जिसको कंबल नहीं है, जिस पर छपड़ा नहीं है, उसको परमात्मा मिल जाना चाहिए था, नहीं मिले। एक आक्रोश, एक विद्रोह पैदा होता है। शरीर को कष्ट मत दो, उम्र के मुताबिक डॉक्टरों को पूछकर आहार विहार करो। कल एक युवक ने मुझे पूछा कि बापू सुबह में कौन सा फल खाए, दोपहर को कौन सा फल खाए, रात को कौन। अरे भाई डॉक्टरों को पूछो, मने आओ तो हूँ ना खोलू दवा खानू या बार बार साइड धंधो ना शुरू करूँ कि भाई सुबह में कथा होगी, 3 बजे के बाद जो पेशेंट आना चाहे वो आ जाए कैलाश में, वहीं नंद कुमार जी के घर पर बारी बारी आए, आपको क्या हुआ, अच्छा है संतराम अने लाल पानी आपी दे, फिर दूसरा आए सिर पर हाथ रखूं, ये कैसा है, क्या सर दर्द है, अच्छा है ठीक है, ए नेहरू अने हम जिन दवा आपजे, साइड में अच्छा चलता सर। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताऊं। डॉक्टर साहब खड़ा करना, दुबे साहब, हमारे एक सोमाणी साहब थे बंबई में, हार्ट के स्पेशलिस्ट, पुराने जमाने के हार्ट, माँ आनंदमयी माँ के आश्रित थे वो डॉक्टर सोमाणी, पोरबंदर के थे, और प्रति महीना एक दिन वो पोरबंदर में, बंबई की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस उसकी उस समय में, मैं बात कर 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसकी मैंने एक कथा की राणावाऊ में, माँ आनंदमयी माँ वहाँ ठहरती थी और वहाँ मैं ठहरा था, तो ये भूपेंद्र भाई जो अपने थे, उनके वाइफ, उनके सब पेशेंट थे, तो सामाणी साहब हार्ट के बड़े निष्णात थे, तो जो मैं कभी कभी विनोद नहीं सत्य घटना कहता हूँ लेकिन विनोद में कह देता हूँ, जो मैं पहले 2 टाइम कथा करता था उस समय की बात है, और बम्बई में फिर पधरामणी, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, और घूमते घूमते रात को पधरामणी करते करते 11-12-1 बज जाते थे, ऐसा सब मैंने किया। तो उसने कहा कि बापू मेरे घर पधरामणी करो, और मैं कर रहा था कथा घाटकोपर या अंधेरी कहीं, और वो बम्बई में रहे। फिर रात को 2 बजे मैंने उसके घर पधरामणी की, पधरामणी हो गई, उसको जो करना था सब कर लिया, फिर कहे डॉक्टर की हैसियत से सलाह देता हूँ कि आपको इतना दौड़ना नहीं चाहिए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसकी पधरामणी कराने के बाद मुझे सलाह दी कि मैं डॉक्टर हूँ, आपको ये ज़्यादा श्रम है और आपको, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पहले फ़ोन कर देते तो मैं आता, बोले नहीं मारे गिरे तो तुम्हारा उठ पड़े ना, डॉक्टर ने करे तो पेशेंट ने जाऊ पड़े ना, भविष्य का पेशेंट। तो फिर हमारे साथ एक शायद विनु भाई थे, तो हमारे साथ ही रहना रही, बहुत भूखा रहा उसने, बहुत दुखी इतिहास है, मैंने तो फावी गई पूछी, तो उसने पूछा कि साहब आप फल खाने में क्या सूचना दी, वो मेरे लिए पूछ रहा। मैंने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या खाना न खाना, मेरी सहज समाधि भली, मुझे सहजता से भूख लगे खा लेता हूँ, कोई बोले नहीं बापू, इस 40 साल पहले की बात है। तो विनु भाई या तो धीरू भाई को इसी ने पूछ लिया सोमाणी को कि बापू, बापू के लिए कुछ फल का, तो बिल्कुल फल खाते नहीं वो, सही बात है मैं फल खाता नहीं, क्योंकि बचपन में फल का नाम देख सुना, इतनी गरीबी में जिए कि फल कौन दे हमको, कहाँ खाए, मांडवी खाता था, मूंगफली खाए और चने खाए, शेरड़ी खाए, यात्रण वस्तु मेरी प्रिय है, सिंगदाना चना और शेरड़ी, हवे सिंगदाणा ने चना खाओ छू कारण के शेरड़ी परिहामी पड़ी है, शेरड़ी मैं कहीं बगाड़ू नहीं, पण हवे ई एम कहे छे कि जो मने मोटा में नाखीश तो तारा दांत काट नाखीश, जे बधा हले छे बधा दांत नु तारी दिशा बेस जशे एवं कहे छे, हाँ पछी संत कथा नहीं रही दंत कथा उभी थशे, गन्ना मेरा बहुत प्रिय वस्तु, मैं बहुत खाता था, अब रस पीता कभी कभी कोई पिलाए तो,
कथा सांभळीने कोई ने दया आवे तो आज कहीं न कहीं आएगा देखने। संकल्प किया नहीं और फलित हुआ नहीं। मामा जी मैं अचानक आऊंगा, गन्ने का रस तैयार रखना, गन्ने का पक्का, दो तीन दिन रखना, रोज नया लाना, कब आऊं कोई ठिकाना नहीं, सोने तक ना आऊं तो आप पी जाना। बोलत नहीं बिसरे, आऊंगा कभी भी। तो उसने फिर विनू भाई ने पूछा कि बापू फल खाते नहीं ऐसे ऐसे, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, फल खाते हैं, आम आम बहुत खाते हैं जब मिले तब। हाँ तो उस डॉक्टर साहब आप जरा खड़ा करना, उसने ऐसा कहा था कि सुबह में ऐसे जो बहुत काम करते हैं, बोलते हैं, दौड़ दौड़ करते हैं, उसको चाहिए कि और कुछ न करे तो कोई बात, सुबह में एक सफरजन खाए, उसमें करीब करीब सब विटामिन ऐसा कुछ है। फिर आप भी मेरे कहने से खाना मत छोड़ो ना, कोई डॉक्टर का संपर्क करके खाना है, क्योंकि मैं वैद्य नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं, लेकिन सफरजन मुझे लगता है कि निर्दोष है, इसमें कोई कोई हो। एक सुबह हमारे रमेश भाई हवार में एक आँखों उपाड़ी जाए, सुबह में उसने कहा सुबह में एक सफरजन जितना अनुकूल पड़े खाना, नाश्ता तो करना ही लेकिन एक फल के रूप में सफरजन, और दोपहर को वो सोमानी साहब ने विनू भाई को बताया था कि एक केला खाना दोपहर को, केला एक केला, कुकड़ी केला नहीं, ये मोटू जे 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 साउथ में जो छोटे छोटे केले आते हैं वो नहीं, तो केला, ऐसा डॉक्टर का कहना था। आप तबीयत के अनुकूल करना, हाँ पाछ बपोरे सीधू झपट नहीं करता, इतर सर्दी के दिन है जकड़े जाओगे, केलू अंदर ही नहीं उतरे बाहर ही निकले न कफना रूप में बाहर आवशे, इसलिए तासीर को अनुकूल हो तो, क्योंकि हर औषधि हर एक के लिए अनुकूल न भी हो सीधी सी बात है। तो उसने जो कहा सर, तो मैं भी अभी उसका अनुसरण नहीं कर रहा हूं, मैं उनका रोज कोई पूछो कोई नहीं, अरविंद कहेंगे अलो भाई हूँ सफरजन खाऊ छो, सुबह में सफरजन खाता हूँ मैं, बस नहीं खाते यार कौन आपे नहीं नहीं आदत ही नहीं यार क्या करे। तो सुबह में सफरजन खाओ एप्पल, दोपहर को बनाना केला खाओ, ये साइड वो डॉक्टर बता रहे थे, और रात को पपैया खाओ, ठीक है ना, वो पाचक माना जाता है, रात के भोजन के बाद पपैया थोड़ा खाओ, पपैया अमारे जो नहीं मने खबर नहीं, ये शब्द जो पपैयू जो बोलाये छे ने ये जरा शब्द बहुत विचित्र लागे, अमारे देहात में कोक ने कोक ने टीका करवी ने पपैया जेवो लागे, उनका चेहरा ऐसा पपैया जेवा, एम के हाँ हाउ पीळो नहीं हाउ लाले नहीं हाउ रेचक, वात वात में ढीलो थी जाए, वात वात में ओलो थी जाए, हाँ क्या तो आ तो के हाउ एवो लागे। साधो सौ गुरु सत्य, ऐसे फल की फल खाने चाहिए। हाँ लेकिन मेरा क्या है कि मैं रोज फल खाता हूँ, एक फल नहीं खाता, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र उनको मिक्सर में डालकर रस बना करके आरती श्री रामायण जी की आरती, ये रामायण गा लेता हूँ तो सब रस की पुष्टि, फिर भी फलो फल आदमी को, सब डॉक्टर कहते फल की, फल यदि उपयोगी नहीं होता तो परमात्मा बन, यहाँ इस अस्तित्व में अनुपयोगी कोई चीज है ही नहीं, सब उपयोग, कोई भी औषधि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें औषधि न हो, और कोई शब्द ऐसा नहीं जिसमें मंत्र न हो, कोई कर्म ऐसा नहीं जिसमें थोड़ा पाप न हो। आत्मदर्शन करिएगा साहब, 1,00,000 रुपये का दान करो तो ये पुण्य है लेकिन उसमें भी कुछ तो पाप रहा ही होगा, कोई शब्द मंत्र मुक्त नहीं है खोजी चाहिए, कोई वनस्पति औषधि मुक्त नहीं उसका मर्मज्ञ चाहिए। हमारे यहां प्राचीन चरक आदि जो आचार्य हुए आयुर्वेद में, और प्राचीन जो वैद्य लोग वो तो कहते हैं कि औषधि स्वयं वैद्य के साथ बोलती होती है, कि
कि मेरा यहाँ उपयोग करो, मेरा यहाँ उपयोग करो, मेरा यहाँ उपयोग करो, ऐसा है। कोई घट परमात्मा के बिना खाली नहीं, कोई पुण्य थोड़ा सा पाप की छांट उसमें हुआ ही करती है, तो ऐसा ऐसा सब सुभाषितकारों ने बयां किया है। तो फल तो मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं उपवास नहीं करता, पहले बहुत कर लिया, अब भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन आप करते हो तो छोड़ना मत, सहज करो तो करो, मेरी गतानुगति मत करना। कि अब क्या है कि मुझे मैंने जब जब उपवास करना, कभी चाहूँ कि आज इस बार उपवास करना है, तो उसी दिन ज़्यादा भूख लगती है, फिर मन माला में नहीं रहता है, माल पुआ में रहता है। तो मैंने सोचा कि मन जहाँ रहे वो काम करो, उपवास निकट रहो। सच में ये तो आपके भी अनुभव होंगे, जब उपवास करोगे उसी दिन इतनी खाने की इच्छा होगी, अने घर वाले भी बिना खबर नहीं, ये नदी नाव संजोग हो, उसी दिन हमको जो पसंद हो वही चीज बनाएंगे, उसी दिन वही बनाएंगे। यहाँ पड़े खींच माँ क्या पड़े, कहा खाओ खाओ खाओ, मलिंदा उड़ाड़ो मलिंदा उड़ाड़ो, शंकरनाथ भले ने मरे। शरीर को कष्ट नहीं देना और सहज समाधि सिखावे। कबीर साहब 5000-2500 पहले का जैनवाद, बुद्ध के बाद जो प्रचलन हुआ जापान में जैन सहजता की बात, कबीर साहब के सूत्रों में संत कितने सर्वकालिक होते हैं, सहज समाधि सिखा, साधो सो गुरु सत्य कहावे। काया कष्ट भूली नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे। कभी सदगुरु किसी को ये नहीं कहेगा कि संसार छोड़ दो, सन्यास का अर्थ है कपड़ा छोड़ना नहीं, रंग बदलना। स्थूल रूप में सन्यास का अर्थ है कपड़े का त्याग नहीं, रंग बदल, ये सफेद कपड़े हैं गेरुए कर दो। सूक्ष्म संन्यास का अर्थ है संसार का त्याग नहीं, संसार का रंग बदलना, नहीं संसार छुड़ावे। संसार से भाग निकलो ही नहीं कर, संसार में जागो। बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, जैसे कुछ शॉपिंग नहीं करना है, ऐसे ही टहलते निकले कोई बाजार में तो सब देखेंगे मौज करेंगे, कुछ खरीदना नहीं है, वैसे संसार में आए हैं तो बाजार से गुजरे हैं बस, खरीदार नहीं। संसार का रंग बदलना, स्थूल संन्यास कपड़े का रंग बदलना, सूक्ष्म संन्यास संसार का रंग छोड़ना नहीं। कपड़ा छोड़ने को संन्यास नहीं कहा, संसार के प्रति दृष्टिकोण बदल जाए। तो संसारी भी उद्योगपति भी सन्यासी हो जाए, और धार्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण न बदला तो धार्मिक व्यक्ति सन्यासी होते हुए संसारी बन जाए। सवाल है दृष्टिकोण का, नजरिया बदले। हर चीज में धंधा आ गया। एक भाई एक गौर बाबा के पास गया, कहा कि महाराज मुझे सत्यनारायण की कथा करवानी है, कितने पैसे का खर्च होगा? बोले 300 रुपया, पूजा पा मैं ले आऊँगा, सब मैं ले आऊँगा, खाली शीरे की व्यवस्था आप करना बस, बाकी सब 300 रुपये में सत्यनारायण। तो यजमान ने कहा गौर बाबा ये 300 रुपया जरा ज़्यादा है, कोई राहत? बोले 150 रुपये में कर दूंगा, लेकिन कलावती आएगी, कठियारा नहीं आएगा। सत्यनारायण की कथा में लकड़हारे की कथा आती, वो निकाल दूंगा, कलावती लीलावती आएगी,
बाकी कठहर या कठहर यारों नहीं आने, 150 कहा कि गौर बापा ये भी ज्यादा है 150 रुपया, 51 रुपया में होगा, हो जाएगी, लेकिन एक अध्याय वो भी संक्षेप में पढ़ूंगा और जालर बच जाएगी बस, और कोई कथा नहीं आएगी। बोले पा 51 रुपये, 11 रुपये में हो तो खाली आरती आरती प्रसाद, तुम बैठो मैं सत्यनारायण की आरती करा दूं और प्रसाद का मेरा कटोरा भर कर जाऊं, 11 रुपया दे दे, तेरा काम पूरा मेरा काम पूरा। हर वस्तु धंधे में चलती है, धंधा संन्यास हो सकता है, दृष्टि न बदले तो धर्म संसार बन सकता है। नहीं संसार छुड़ावे, आप खूब कमाओ और कमाने के बाद आप उसका थोड़ा हिस्सा जितना आप निर्णय करें वो कोई ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करो धन को कैसे कैसे वर्धन करना चाहिए, वो शास्त्रों में आया है कि कैसे कैसे उसकी वृद्धि की जाए। आप सोचे कि हम कमाएं लेकिन कमाने की दृष्टि से नहीं, सामने वाले को तकलीफ ना हो तो सेवा भी हो जाए और अपना धंधा भी हो जाए। ऐसी बात जब मेरे पास आती है तो मैं खुश होता हूं। संसार छोड़ने की बात नहीं, रंग बदलो। हम और आप संसार छोड़कर कहां जाएंगे साहब, और जहां जाएंगे वह संसार है। यह प्रेमियों की नगरी, यहां प्रेम ही है पूजा, जोगी तुम जाओ रे कहां आए तू। तो बाप सदगुरु वो है वो संसार न छुड़ावे, दृष्टिकोण बदले। जब तक जोग क्रिया स्थिर ते न्यारा सहज समाधि सिखावे, काया कष्ट भूली नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे, यह मन जाई जहां जहां तहां तहां परम दिखावे। सदगुरु वो है जिसके पास हम कहे कि हमारा मन चंचल है, यहां जाता है यहां जाता है यहां जाता है, तो सच्चा सदगुरु ये नहीं कहता कि वहां मत जाने दो वहां मत जाने दो वहां, वो कहेगा तेरा मन जहां जाएगा वहां तुम्हें परमात्मा दिखाऊंगा। ये बड़ी हिम्मत की बात है साहब, बड़ी कि मन जहां जाए वहां ठाकुर जी का दर्शन में करा दूंगा। तेरे मन की चंचलता बने रहने दे, उस पर बलात्कार न कर। जैसे मैंने आपको आगे भी सुनाया नानक के पैर जिधर करते थे वहां काबा, जिधर किया काबा। मन की चंचलता रहने दे, जहां जाएगा वहां तुझे ठाकुर दर्शन करा दे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सी राम मैं सब जग जाने, यह मन जाए जहां जहां तहां तहां परम दिखावे, साधु सौ गुरु सत्य कहावे। कर्म करे निष्कर्म रहे ऐसी जुगति बतावे। बेटा तू कर्म कर लेकिन निष्कर्म रहे। जैसे मैं दो अवतारों की बात करता, गुरु तत्व है, व्यक्ति हो तो कोई भी काम न करे फिर भी सब उनके होने से होता रहे तो व्यक्ति नहीं कर सकता, तत्व कर सकता। और सब कुछ करे और लगे कि आदमी कुछ नहीं करता, कृष्ण और राम दो प्रमाण है उसके। भगवान कृष्ण कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ उनके होने मात्र से हो रहा है, निमित मात्र दूसरों को भी करता है और खुद तो कुछ नहीं करता है। और रामचरित्र देखो सब कुछ करता है लेकिन कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, इनके बल से मैंने रावण को मारा है, इनके कारण मैंने इसको परास्त किया है। सब कुछ करें और भीतर कुछ नहीं, ऊपर से कुछ नहीं करता दिखाई दे लेकिन भीतर का संपूर्ण संचालक तत्व वो है, वो कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, वो तत्व ही हो सकता है। और सदगुरु ऐसे तत्व के पास ले जाते,
कर्म करे निष्कर्म रहे, कछु ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास, ये तो कबीर ही कह सकता है, सदा विलास, विलास में रहता है, चिद विलास जिसको कहते, चिद विलास। गणेशपुरी के नित्यानंद महाराज के शिष्य मुक्तानंद, चिद विलास नामक उसका ग्रंथ है, बड़ा बड़ा योग की प्रक्रिया का ग्रंथ है। मैंने शुरू शुरू में ये सब ग्रंथ बहुत देखे। सदा विलास, विलास का अर्थ यहां भोग नहीं है, विलास का अर्थ है चित्त की प्रसन्नता। सदगुरु कौन? निरंतर प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चेता है। मैं फिर विवेक चुडामणि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को याद करूं, जिसने ये सूत्रपात किया है, प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम। जो प्रसन्न चित रहेगा वो परमात्मा का दर्शन कर पाएगा, जो शोक मग्न चित है वो भगवान का दर्शन नहीं पाएगा। प्रसन्न रहो, सदा विलास, फिर एक बार विलास का अर्थ है परमानंद में डूबे रहना। केवल सामान्य वस्तु के विषयों की बात यहां सदगुरु की बोली में सदा विलास, बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुशहाल रहता है, आठे पौर आनंद। सदा विलास, त्रास नहीं मन में। और कोई कहे कि ये तो आनंद में रहता है, सदा सदा प्रसन्न रहता है, तो त्रास का अर्थ है डर, त्रास मानी भय। जहां जप यज्ञ जोग मुनि कर ही अति मारीच सुबाहु है डर ही, जो डर है उसको त्रास कहते हैं। प्रसन्न रहना और कोई आलोचना कर रहे तो किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, मन में कोई त्रास नहीं। अब धर्म में जो आदमी होता है वो यदि कुछ एंजॉय करे, कोई आनंद करे, कोई तो स्वाभाविक लोग निंदा भी करेंगे। अरे मैं कुछ चलचित्र की पंक्तियां गाता हूं, मैं नृत्य देखता हूं, कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं नृत्य के लिए, सुर के लिए, संगीत के, तो मैं बड़े हृदय से दाद देकर सुनता हूं, तो स्वाभाविक है जो गतानुगति जीत की मानसिकता है उसको ये अच्छा न भी लगे, लेकिन उसका त्रास नहीं मन में, डर नहीं। तुम ना एंजॉय कर सको, तुम्हारा भाग, हम क्या करें। हम तो चाहते हैं कि हमारी महफिल में तुम भी आओ, लेकिन अब तुम के नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुस्कुराते रहो, आनंद में जियो, आनंद हमारा स्वरूप है साहब, हमारा स्वभाव आनंद है। तो ये जब कोई पंक्ति उठाता हूं तो कई लोग, कभी कभी कोई कथा में फिर छूट भी जाती है, कई कभी कभी फिर बहुत चलती है, ऐसा है, ये तो प्रवाह के। तो कई लोग स्वाभाविक मेरे सामने नहीं कह सकते, पीछे से तो बोलते होंगे कि बापू तो फिल्म की पंक्ति गाते हैं, लोगों को राजी कर, मैं आपको राजी करने के लिए गाता हूं, मुझे आपसे क्या लेना देना है साहब, तुमको मेरे से बहुत लेना है, मुझे क्या आपसे लेना है, आप दे भी क्या सकते हो साहब। મારે કાંઈ 300 રૂપિયામાં સત્યનારાયણ નીકળતા 150માં કઠિયારો કાઢીને કલાવતી નીકળતા નથી કરવી, કે 11 રૂપિયામાં તમારી આરતી નહીં સાહેબ, ભૂલ કરતે હો, ગલત સર એડ્રેસ પર આયે હો, યહાં તો કુરબાન હોના હોતા હો। जमाने में अभी ऐसे कई नादान होते हैं, जमाने में अभी ऐसे कई नादान होते हैं, वहां ले जाते हैं कश्ती, वहां ले जाते हैं कश्ती।
बस्ती वहाँ ले जाते हैं कश्ती जहाँ तूफान होते वहाँ ले जाते कबीर साहब पूरी काशी में सबसे उल्टा ही बोलते रहे वहां ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते। एक बार वो शीशा लिया एक नारी के कंधे पर हाथ रखा और बनारस के बाजार में कबीर साहब निकले डोलते डोलते और पूरे पंडितों ने कहा कबीरा बिगड़ गया कबीरा बिगड़ गया बर्बाद हो गया ए बावो बगड़ी गयो। और कबीर ने उसका जवाब दिया कि दूध में खटाई डालो तो लोग कहे दूध बिगड़ गया लेकिन उसको पता नहीं वो दही होगा फिर मथूंगा नवनीत निकलेगा उससे मक्खन निकलेगा उससे घी होगा और एक परम ज्योति प्रकट हो गई। तुम मानते हो कबीरा बिगड़ गया लेकिन संत साहसी होना चाहिए। मेरी मांग है 21वीं सदी का साधु साहसी होना चाहिए। साहस करने की जिसमें हिम्मत हो अरे दुनिया कुछ भी कहे दुनिया का तो क्या ठिकाना यार आज आइए कहे कल ये कहे। गुलटनिया बल्ले बल्ले वहाँ ले जाते हैं कश्ती वहाँ ले जाते हैं कश्ती वहाँ ले जाते हैं कश्ती जहाँ तूफान होते मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती। मोहब्बत यानी प्रेम भक्ति अनपायनी देहु हम ही श्री रंग। मोहब्बत सबकी महफिल में मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती। मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती और हसीनों की नजर सब पर छुरी बनकर नहीं चलती। तो जो है तकदीर वाले बस वही कुर्बान होते। कायल की गत कायल सत्संग में कौन जाएगा जो मरने को तैयार हो। वाले बस वही कुर्बान होते वहां ले जाते हैं कश्ती वहां कश्ती जहां होते हैं। मैं तो हवा हूं शेर सुनिएगा तिवारी। सुनिए
तू करे आवड़तूच नहीं कितनी कितनी कथाओं से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी एक राधेश्याम करे एवं ना आवड़े एक तिवारी करे श्री राधे निताई गौर निताई गौर निताई गौर जादू की तो नगरी है कलकत्ता काली कलकत्ता वाली तेरा बचन न जाए जादूगर जादू नगरी में कोई जादू लेके मुझ पे क्या पहरे लगाओगे मैं तो हवा हूं मुझ पे क्या पहरे लगाओगे महसूस कर सकोगे मुझे छू न पाओगे। एक हवा का झोंका जैसे मीरा आई जैसे नानक आए जैसे कबीर आए पहरे लगाए कई लोगों ने महसूस किया संत को कोई छू नहीं पाया पकड़ नहीं पाया। साहसी संत की जरूरत है आसमां से उतारा गया अच्छा उतरा है क्या उतरा है धीरे 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 वाह तो बाप सदा विलास त्रास नहीं मन में मन की प्रसन्नता महसूस करना प्रकट करना बांटना उसको लोग कुछ भी दृष्टि से कहे जिसका जिसको डर ना हो वो सद्गुरु
डरे ना, डरे वो सदगुरु कैसा। मेरे कई ऐसे महात्मा हैं जो बुजुर्ग हैं और बड़े पारंपरिक पद्धति से दीक्षित हैं, लेकिन इतने सरल तरल है। तो कभी कभी कहते बापू वो गीत क्या था, हमारे हमारे तुलसी श्याम वाले बापू, बोले बापू ये बहुत अच्छा है। जो सहज साज, क्या उसके मन में कोई राग होगा जो सालों से भोजन न करता हो, जिसको कुछ चाहिए नहीं, कहाँ राग हो सकता है। लेकिन मन की प्रसन्नता को वो मार्क करते हैं, प्रसन्न रहो बाप, विलास का अर्थ भोग विलास नहीं, चिद विलास, चित्त की प्रसन्नता। तुलसीदास जी भी विनय में अपना चिद विलास शब्द का प्रयोग करते हैं, भूजत भूजत पूजे, चिद विलास, गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं, चैतसिक विलास। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु कौन, सदा विलास त्रास नहीं मन में, और भोग में जोग जगावे, साधो सौ गुरु सत्य कहावे। भोग में जोग जगावे, कंडे जिसके हम बनाते हैं गोबर, वो तो एक मल है पशुओं का, हाँ, लेकिन उसी कंडे को यज्ञ कुंड में डालकर साधु उसमें एकदम धम्रशीरा अग्निशीरा का प्रकट, उसी तरह समाज का जो कचरा है उसमें ज्योति प्रगटाए, जोग भोग में जोग जगावे। कोई कहे कि यज्ञ कुंड में कंडे डाल रहे हो, ये तो पशु का मल है, लेकिन जो मल है वो यज्ञ का साधन बन जाए, जो भोग है उसमें जोग का जागरण हो जाए। बड़ा कठिन व्याख्या, बड़ी सरल पड़ेगी, लेकिन सदगुरु हो वो ऐसा कर सकता है, भोग में जोग जगावे। भाग कर नहीं, जहां है वहीं उसको दीक्षित करे। एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम श्रीमद् भागवत। ए मां, भगवान कपिल देवहूति को कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम, हे मां संग जो, प्रसंगम मानी संग, वो तो अजरम कभी कमजोर नहीं होने वाली आ सकती है संसार में, लेकिन सएव साधु सुकृतो, यही आसक्ति यदि किसी संत में साधु में लग जाए तो मुक्ति के दरवाजे खोल देते हैं। भोग में जोग जगावे, साधु सौ गुरु सत्य कहावे। बहुत सुंदर, भीतर बाहर एक ही देखे, दूजी दृष्टि ना आवे। बाहर भी ईश्वर को देखे, अपने भीतर को भी ईश्वर देखे। दो अर्थ हो सकते हैं मेरी समझ में इसके। सदगुरु कौन, जो बहिर भी परमात्मा को देखे, भीतर को भी परमात्मा देखे। क्योंकि हमारे यहाँ ये द्वैत, कुछ लोग हैं बस ध्यान में ही भगवान को देखते हैं और संसार को मिथ्या समझते हैं, कुछ लोग हैं कि संसार को ही ठीक समझते हैं, भीतर कभी दृष्टि ही नहीं करते। सदगुरु वो है बाहर भीतर दोनों तरफ महसूस करें। तो दूसरा, भीतर बाहर अपने जीवन को एक सरीखा दिखाई दे, जो बाहर वो भीतर, जो भीतर वो बाहर। ऐसे दंभ मुक्त जीवन, पर्दा मुक्त जीवन, प्रपंच मुक्त जीवन, भीतर बाहर एक ही देखे, दूजी दृष्टि न आवे। कह कबीर कोई सदगुरु ऐसा, वो तो आवागमन छुड़ाए। कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो हमारे संसार की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, इस श्रम देने वाली यात्रा से मुक्त कर दें। साधु सौ गुरु सत्य कहावे। तो बाप, सब कुछ करता हो लेकिन अक्रिय, बिल्कुल अक्रिय लेकिन उनके होने से सब कुछ होता हो, ऐसे दो अवतार कृष्ण और राम। कृष्ण कुछ नहीं करते लेकिन सब संचालित उनके, यंत्रारूढ़ानि मायया भगवत गीता कहती, भ्रामयन् सर्वभूता यंत्रारूढ़ानि मायया, सबको भटकाता है वो, खुद कुछ नहीं करता।
वो प्रकाश एक ज्योति है, प्रकाश की ज्योत कुछ नहीं करता लेकिन एक उसके उजाले में सब कुछ होता जा रहा, ज्योति कुछ नहीं करती, उजाले में सब कुछ हो रहा। सब कुछ का मतलब सब कुछ, चोरी भी होती है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, ज्योति दृष्टा है, सर्प को घुमा रहा है, यंत्रारूढ़ा निमाया। तो और दूसरा रामचरित्र जो पूरा चरित्र से भरा हुआ है, प्रभु का पूरी यात्रा जीवन जी के दिखाया प्रभु ने, लेकिन भीतर से कुछ नहीं करते। तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, गुरु जी को कहते हैं ये सब मेरे सखा हैं, ये समरांगण के समुद्र को तैरने के लिए मेरे बेड़े बने थे, मेरे साथी बने थे। और गुरु को मित्रों की परिचय देते हो कि इनकी कृपा से मैंने धनुजों को मारा है, भगवान बिल्कुल क्रिया मुक्त रहते। तत्व ही ऐसा कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को मत पकड़ो, उनके वक्तव्य को पकड़ो। हनुमान जी कहते हैं माँ जानकी को, तू मुख फेर गई, अच्छा हुआ, मेरी कथा सुनने जैसी है, कथाकार का मुख देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम न देखें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्तिवाद पना ना आ जाए, ये यहाँ मूल उपदेश है। हम क्या है कि व्यक्ति में आबद्ध बन जाते वक्तव्य को, क्योंकि व्यक्ति को पकड़ना आसान है, और व्यक्ति पद से, प्रतिष्ठा से, पैसों से पकड़ा जाएगा, वक्तव्य पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अब मेरे से कई लोग कहते हैं बापू क्रोध बहुत आता है, अब वो कम कैसे करें? बस कम करने से कम होगा, उसमें कोई जादू मंत्र थोड़ा होगा। अब क्रोध कम कैसे करें? कम करने से होगा, कम कर। अब उनके लोग मन के ना मैंने कोई नुस्खा बताए कि तू डेढ़ घंटा उल्टा सो जा, सिर नीचे रख, तू उपवास कर, ये कोई विधि नहीं, तुम मत करो। तुमने सत्संग किया है, इतना तुमने समय दिया है, अब जब कोई समाज में, घर में कोई ऐसा प्रसंग, उसी समय तुम राम कथा को याद करके अपने आप को रोको। क्रोध को कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें करनी होगी, अभ्यास से होगा। हाँ मैं समझता हूं कि जिसका स्वभाव क्रोध का है तो अकारण गुस्सा आ जाएगा, लेकिन कथा को याद करने से फायदा होगा। गुरु तत्व है, नहीं नहीं गुरु पूरा अस्तित्व है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो, श्वेताश्वतर उपनिषद। आइए इस सूत्र की हम चर्चा करने जा रहे थे, अपने बच्चों को श्लोक सिखाना। अंग्रेजी भले, अंग्रेजी काम करने वाली है हमारे घर में, नौकरानी बोकरानी नहीं, हमारे घर की सदस्य है, दुनिया की उनके बिना काम चलता नहीं, इसलिए लेकिन हमारी मातृबोली बोलो। और सबसे हमारी पूर्व और पवित्र बोली तो संस्कृत है। अपने बच्चों को कुछ स्तोत्र सिखाओ, आपको आता हो तो आप सिखाओ, आपको ना आता हो तो कोई, कहाँ पैसों की कहाँ कमी, कोई पंडित रखो, सप्ताह में एक दिन आकर उसको रुद्राष्टक सिखाए, उसको शिव महिमना स्तोत्र सिखाए, उसको शक्रादय सिखाए, उसको राम रक्षा स्तोत्र सिखाए। तुम्हारे बच्चे बोलेंगे तो आप कितने खुश होंगे, ये जरूरी है। पिक्चर के गीत में आनंद आता है तो वो भी गाओ, लेकिन स्तोत्रों का आनंद तो शिखर का आनंद है। नमामि ईशान निर्वाण रूपम् विभूर व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम् यम् आनंद
निराकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गोतीत भीषणं गिरीशं करालं महाकाल आलं कृपालं उपनिषद का मंत्र उच्चारित करने जा रहे थे। कृपया आप सब ठीक से सुन करके बोलिए। यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा गुरो यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः सब व्यक्ति में ज्ञान पड़ा है। सुकरात कहता है मैं दायण का बेटा हूं, गर्भ रखा ही नहीं, गर्भ ऑलरेडी था, मैं उसको उद्घाटित करता हूं। हम सब ज्ञानी हैं लेकिन दबा हुआ है, कोई उसको विमोचित करे। हम खुद कर सकते हैं कब? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। जितनी भक्ति परमात्मा मां है इतनी ही निष्ठा जब गुरु में हो जाएगी, तस्येते कथिता ह्यर्था, उसी समय वो मंत्र क्या अर्थ करता है वो तुम्हारे भीतर प्रकट का समस्त अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाश। दो बार करते हैं, किसी सदगुरु में जब निष्ठा हो जाती है तो वही परम अर्थ जो तुम में ऑलरेडी पड़ा है वो प्रकाशन्ते प्रकाशित हो जाएगा उसका। तो यहां विचरत मति देही मोह महिष कालिका, गंगा के तट पर विहार करते करते गति कर, कोई भी नाम लो तो विमल मति देती है नहीं, तुम में पड़ी है उसको उद्घाटित करती है। हमारे कपड़े में कुछ दाग लगे हैं उसको गंगा का जल साफ कर देता। विचरत मति देही प्रकाशन्ते महात्मना तस्येते कथिता ह्यर्था, समस्त अर्थ वहीं से कथित होने लगते, प्रकाशित होने लगते, अपने आप प्रकट होने लगते हैं। कब? शर्त बहुत प्यारी भी है, न्यारी भी है, अलगारी भी है। बहुत कठिन शर्त है। क्या? कि जितनी परमात्मा में निष्ठा इतनी गुरु में निष्ठा। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो। फिर कोई व्यक्तिवाद यहां न लाए, सदगुरु की एक महिमा है साहब, गुरु पद की एक महिमा, साधो सौ गुरु, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई ठिकाना, ऐसी जगह पहुंच जाना जहां समस्त भटकाव समाप्त हो जाए। कितनी उपनिषद कहे तब बात और गंभीर बन जाती है साहब। उपनिषद उपनिषद ये भारतीयों का पूर्व का सर्वोच्च चिंतन है, इससे आगे विश्व का कोई दार्शनिक, विश्व का कोई चिंतक नहीं जा पाया। हैरान है लोग कि भारतीयों ने जो सोचा ऐसा कभी हम कल्पना नहीं कर पाए। इतना चिंतन, अद्भुत चिंतन।
एक देहात की लड़की के खेत में रहती थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। एक बार घर आई तो स्लेट में चित्र बना रही है। इनका बाप आया, बोले किसका चित्र बना रही? बोले भगवान का। तो बाप को लगा कि भगवान का तो कोई चित्र होता नहीं, किसका चित्र? तो बोले 5 मिनट ठहरो, अभी मैं भगवान का चित्र बनाकर आपको दिखा दूंगी। तो बाप को आश्चर्य हुआ, जिज्ञासा भी जगी कि हद है। 5 मिनट में उस लड़की ने चित्र तैयार करके बताया। तो बाप हैरान, बोले ये किसका? कि भगवान का चित्र। लड़की का स्वयं का था। स्वयं भगवान है यहाँ, अहम ब्रह्मास्मि ये बात है। बाप तो यदि तेरी बेटी में भगवान न देख पाए तो मंदिर में क्या देख पाएगा? तो यदि तुझ में भगवान न पाए तो कहां पाएगा? ये जो चिंतन है भारतीयों का, सर्वोच्च चिंतन है साहब। मैं नतमस्तक हूं इस घटना से कि एक देहात, ये बनी घटना है साहब, इसलिए नतमस्तक हूं। ये भगवान का, एक बालक का चित्र परमात्मा का चित्र नहीं है तो क्या है? एक बुजुर्ग का चित्र ब्रह्मा का चित्र नहीं है तो क्या है? एक त्यागी का चित्र शंकर का चित्र नहीं है तो क्या है? एक नृत्य करने वाले का चित्र कृष्ण का चित्र नहीं है तो क्या है? और एक मर्यादा से चरित्र करने वाला किसी का चित्र यदि राम का चित्र नहीं है तो क्या है? अद्भुत चिंतन उपनिषदों ने दिया। यथा देवे तथा गुरु, तुम्हारे गुरु में परमात्मा में जितनी निष्ठा, जितना भरोसा, जितना विश्वास, इतना सदगुरु में भरोसा तो क्या होगा? तस्येते कथिता अर्था, इनकी कृपा से जो अर्थ निकालना चाहेगा वो तुम में ऑलरेडी होगा। प्रकाश अंते, उसका विमोचन करेगा, वो प्रकाशित करेगा, उद्घाटित करेगा। दरवाजा खुल जाए तो रास्ता ही रास्ता है, लेकिन दरवाजा बंद है कोई उद्घाटित करे उसको। प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते इति श्वेताश्वेतर उपनिषद। फिर मालकोस तुलसी सुमिरत रघुवंश विचरत मति दे महिष कालिका, महिष जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, गंगा का संगम है। दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है तो जहां 3 नदियां मिलती हैं उसको तो तीर्थराज प्रयाग बन जाता। तो यहां तो 3 गंगा एक ही
एक महाकाली, एक ये काली और एक श्री गंगा। तो गंगा भी काली का है, उसका काला रंग, उनके चार हाथ, उनकी लहलहाती हुई जीभ और चरणों में गिरे शंकर कौन है, जरा सोचिए। किसी भी नदी के चार दिशाएं होती है, कोई भी नदी लो साहब। एक ये किनारा, चलो ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर हो कि नहीं मुझे खबर नहीं, ये क्या है, हाँ ये उत्तर, ठीक है ना, ये दक्षिण, ठीक है। अपने पास काल को पूछे बापू तमने उत्तर दक्षिण नु भान नथिन कथा हूँ उपाड़ी से। कभी कभी ऐसा होता है ना, कथा में हम बोल दे के फिर सूरज निकला, अब सूरज निकला उस समय ये हाथ भी ऊपर उठ जाए, ये भी उठ जाए, कोई निश्चित तो नहीं है। और सूरज निकला ऐसा बोले और सही में वो दशा दिशा पूर्व दिशा न हो, तो श्रोता सोचे कि बापू कथा तो ठीक कहते हैं लेकिन उसको पूर्व दिशा का भान नहीं है, सूरज वहां थोड़ा निकलता। अरे हमें निकालना भी नहीं है, ये तो हाथ उठ गया उठ गया, लेकिन वहां तक बात रहे तो धन्यवाद। लेकिन बगल वाला श्रोता कहता है कि चुप, कभी वहां निकला हो ने तो ही बापू बोलेंगे, वरना बोलेंगे। ये दशा होती, ऐसे मत सुनो, अपने विवेक और विचार से कथा सुनो साहब। विवेक को घर रखकर मत सुनना, विचारों को बहुत, हाँ तो भरोसा रखकर सुनना, विश्वास, लेकिन तुम्हारे विवेक पर भी विश्वास रखना, तुम्हारे विचार पर भी विश्वास रखना। वो विश्वास यदि खरा न उतरे तो फिर तुम्हारे सद्गुरु की बोली पर भरोसा कर लेना। तुम्हारे से काम बन जाए तब तक करो, लेकिन न कर पाओ तो फिर किसी की शरण ग्रहो। ये तो लोग बस ऐसे ऐसी बात, मैं लंदन में एक बार कथा कह रहा था तो जैसे ये गिरा ना आज, वैसे तो अपने वो उस हॉल में अपने हेरो लेजर सेंटर उसी में जो कथा थी, तो अब मैं बोलूँ और मेरा तो मेरी तो बोलने की अदा जो है से हो स्वाभाविक, मैं हाथ ऐसे फैलाऊँ, ये जो मेरी स्वाभाविक गति है, ये कोई मेरा कोई थोड़ा इसका मैं कोर्स करके आया हूँ, ये तो किसी का फोर्स है, यहाँ कोई कोर्स नहीं है, किसी का फोर्स मुझे धक्का दे रहा है, यहाँ कोई वो तो नहीं है। हम ना रहो जी यार, तुम्हें बोलो खदीरा दिली दिख नहीं यार, हाँ क्या बुलाएगी भाई आयोजकों ने खरीदा खदीरावती ने डब्बी आप जो, तुम्हारा आवाज जरा हा? શું કામ દવાખાને શું કામ જવું, નહીં નહીં તો આ તમારું ગળું મને ખરાબ લાગે છે, એટલે કે એવું જ છે, હા ગળામાં જરાક બેસી ગયું શરદીને લીધે, હા અમૃતાંજન લગાવો ને, અને તમે તો બપોરે કેળું ખાતા જ નહીં, તમે મહેરબાની કરજો કેળું બપોરે નહીં ખાતા, જો બનાના ખાયા તો બન જાઓ ગે, હા કઈ રીતે ખરાબ છે એ શું કામ કે તમે કોણ, હા લિફ્ટમેન, એટલે એમાં આમ લિફ્ટ જાય એમાં ગળું બેસી ગયું, લાલ લે હવે આ બીમારી લિફ્ટ લિફ્ટમેન છે, અચ્છા 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 એટલા માટે, ઓહો ઠીક છે। એક માણસ છે ને લિફ્ટમેનનું કામ કરતો હતો, તે આખી રાત ઊંઘમાં દાદરો ચડાવે ને ઉતરે, દાદરો ચડાવે ને ઉતરે, દાદરો કહેને કીધું કે આમ કેમ કે હું લિફ્ટમેન છું, મને આમ ન થાય ત્યાં સુધી ઊંઘ જ ન હોય, એના ઘરના ટેવાઈ ગયેલા કે બાપુને ઊંઘ ચડી હવે હોય ઉપર જાય બેઠો આવે ઉપર, હા હા નહીં હમણાં નહીં યાર, હમણાં તમારો અવાજ બરાબર નથી એટલે હમણાં એ મારી માં કાળી મારું ધ્યાન રાખો, વાહ વાહ સરસ, તે તમે આમાં રજા 9 દિન કી છુટ્ટી લઈએ આપને તો કે ગુટલી મારી, હા ક્યા ડ્યુટી મેં આદમી દેખ કર, બોલા ઇન્સ્પેક્ટર જેમ આવ્યો તો ક્રિકેટ જોવા, પક્કું
वाह, आपका नाम क्या? सत्यन, अच्छा सत्यनारायण राय, लोग आपको सत्यनारायण कहते हैं, नारायण कहते हैं, तो नमो नारायण। बैठो बैठो। कमली वाले की कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, झूमर सजा है उनकी रहमत का, झूमर सजा है उनकी रहमत का, झूमर सजा है उनकी रहमत का, झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, मुझको महसूस ए हो रहा, मुझको महसूस ये हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, उनकी रहमत का झूमर सजा, उनकी रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा, महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, कि महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, उनकी मेहनत का झूमर सजा, रहमत का झूमर सजा, तुमो महिष कालिका। माँ गंगा एक काली है, काली का वर्ण काला है, तो मैं चर्चा कर रहा था कि किसी भी प्रवाह को चार वस्तु हुआ करती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, दो कनारों के बीच में प्रवाह प्रवाहमान होता है, इसीलिए एक किनारा उत्तर है एक किनारा दक्षिण है, अथवा तो पूरब पश्चिम हो जो हो, लेकिन जहाँ से निकली वो भी एक दिशा है, और जहाँ मिलन हो जाता है वो भी दिशा, किसी भी नदी की चार दिशाएँ वही गंगा कालिका की चार भुजाएँ, ये चार भुजाएँ। अब पूरब पश्चिम किनारे हो जहाँ सागर में मिल जाएं, वो एक दिशा, गंगोत्री गोमुख एक दिशा, सागर में मिलना इधर उधर, ये मूलतः ये चार वस्तु में हम उसको बांट सकते, ये उनकी चार भुजाएं हैं। अब कालिका के दर्शन में हमने चार भुजाएं देखी, एक भुजा विरक्ति, विरति चर्म जो ढाल है वो वैराग है, खड़ग वो ज्ञान है, वो दो भुजाएं हैं, तीसरी वरद भुजा है जो वरदान देती, और चौथी भुजा जो खूब खप्पर लिए हुए, जो हमें हमारी खोपड़ी पकड़ करके हमें, तुम्हारी सभी चिंता मेरे हाथ में है तू चिंता छोड़,
एक अब एक अद्भुत वो तो दो किनारे जो है जहाँ नदी प्रवाह गंगा जी बहती है उनके जो दो किनारे हैं वो दो भुजा है ज्ञान और वैराग्य, एक खड़ग और ढाल। तोरत ज्ञान विराग करारे, गोस्वामी जी लिखते हैं। भाव की नदी, प्रेम की नदी और गंगा भक्ति की नदी है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। तो गंगा रूपी कालिका की दो भिजा, खड़ग है ज्ञान और ढाल है वैराग्य। बीरति चर्म जो गोस्वामी जी का अर्थ, तो जब प्रेम का प्रवाह उमड़ा चित्रकूट में तो तोरत ज्ञान विराग करारे, ऐसा गोस्वामी जी ने निवेदन कहा चित्रकूट। तो दो हाथ है ज्ञान वैराग, जहां मिल जाती है वो है चिंता मुक्ति की दशा। गंगा तब तक गंगा है जब तक सागर में न मिले। हर एक नदी का अपना नाम रूप है, अपनी दौड़ है। जब तक दौड़ है तब तक चिंता है, लेकिन सागर में डूब जाए तब सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि काज घटब में निश्चिंत हो जाना। गंगा समुद्र में डूब गई, अपना अस्तित्व समाप्त। जो आदमी अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देता है उसको चिंता काहे की, कौन चिंता, जो प्रभु में डूब गया। अब देखो गंगा बहे तो कोई डैम बांधे, कोई कुछ करे, रोके, कुछ भी करता कर सकता है, लेकिन सागर में मिल जाए तो किसी की ताकत है कुछ, उनकी हर चिंता समाप्त, पकड़ा गया। ये तीसरी भुजा है जो हमें चिंता मुक्त करती। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संग में, मेरे गोस्वामी जी भी कहते हैं गंग अवनी थन तीनी बड़े रे। तो जहां नदी कोई भी, गंगा तो कोई भी नदी जहां पूरी हो जाएगी वहां उसकी हर चिंता, वरना कोई मैल धोए आए, कोई कुछ करे, कोई नौका चलाए, कोई ये करे, कोई पंप लगाए किनारे पर, कोई पानी इधर करे, कोई सब समाप्त क्योंकि सागर में मिल गई है। सरिता सागर मलवाने चाहे, राम भक्त गुजराती पंक्तियां। सरिता सागर मलवाने चाली, सरिता सागर मलवाने। अब देखना जिस आदमी की समस्त चिंता मिट जाए वो आदमी स्थिर हो जाए, हिलना डुलना बस सब, कोई चिंता नहीं रही, निश्चिंत हो गया। फिर परमात्मा जो कुछ कराना चाहे, मैं तेरे में डूब चुका हूं, अब तू जाने, तेरा काम जाने। सरिता सागर में मिल जाती है तो उसकी चिंता गई, स्थैर्य आ गया, प्रमाण मानस। सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल जिम जीव हरि। कितने प्रमाण मिलते हैं मानस से साहब, चिंता मुक्त दशा। जैसे नदियां दौड़ती दौड़ती सागर में समा जाए और स्थिर, कैसे कि ये जीव भजन करता करता ईश्वर के पास पहुंच जाए और कोई चिंता नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, हर एक नदियों के प्रवाह छोड़ और मेरी ओर गति कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज। हमारी भीलनी के प्रसंग में ठाकुर गोस्वामी जी गला फाड़ कर गा रहे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग, इस वास करी कह दास तुलसी राम
करी कहे नदी का अपना नाम रूप सब समाप्त हो जाता है। और ध्यान देना ये दोनों ही तो चिंता देता है, नाम चिंता देता है रूप चिंता दे, किस प्रकार ध्यान गहराई से सुनिएगा। नाम चिंता देता है कहीं मेरा नाम बदनाम न हो जाए, मेरा नाम को कलंक न, ऐसी चिंता आदमी को चिंतित रखती है। और रूप मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अंगम गलितम पलितम चिंता होती है, अब ढीला हो गया, अब कमर झुक गई, ये दोनों वस्तु चिंतित करने वाली चिंता। नाम की जिसको महिमा है उसको चिंता होगी कि कहीं नाम, तुलसीदास जी तो बड़ी दादागिरी करते हैं विनय में, मैं तेरा नाम लेता हूं और फिर भी तू न तारे तो इसमें मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तेरा नाम बदनाम होगा, मुझे क्या है? तेरा नाम बिगड़ेगा। भगवान ने पूछा मेरा नाम किस नाम की बात, बोले आपका नाम एक पतित पावन है, ते है भगवान ने कहा है मेरा नाम पतित पावन, इसमें आपको क्या आपत्ति तुलसी? तो तुलसीदास जी कहे इसी के साथ तो मुझे आपत्ति है, क्या कि मैं आपके दरबार में आया ना तो कोई पतित तो दिखाई नहीं दिया, हनुमान भरत विभीषण भी ठीक हो गया है, सुग्रीव भी ठीक हो गया है, शत्रुघ्न के लिए क्या कहे, हनुमान है, भरत जी तो परम संत, सब साधु ही साधु हैं, आपका नाम तो पावन पावन रखना चाहिए क्योंकि आपके दरबार में कोई पतित तो है ही नहीं, सब पावन ही लोग बैठे, श्रेष्ठ लोग, वशिष्ठ जी बैठे, वामदेव बैठे, है कोई पतित? तो पतित पावन आपका नाम गलत है, मिटा दो, एफिडेविट करके निकाल दो, पावन पावन नाम रखो। तो बोले अब तो नाम पड़ गया अब मिटा के, तो बोले आपके नाम का सार्थकता करने के लिए मैं आया कि मुझे अंदर बिठा दो, मेरे जैसा पतित को बिठा दो ना सभा में तो तुम्हारा नाम सार्थक होता। हाँ हरि पतित पावन सुने विनय पत्रिका, हाँ पतित तुम पतित पावन दोनों बानक बने, हाँ गिरी पतित पावन सुने। तब से तुलसी को प्रवेश मिल गया दरबार में, तभी भगवान का दरबार पूर्ण हुआ, तुलसी के बिना तुम्हारा दरबार खाली रहेगा, श्रेष्ठों की सभा है, जब तक मैं नहीं वरना नाम बदलो या तो मुझे बिठाओ। प्रभु को उनकी पत्रिका पढ़ करके, चिट्ठी पढ़ करके तुलसी को अंदर यहां दरवाजे पर लिखा था पतित पावन, ए बोर्ड हटा दो। तुलसी लड़ा चौकीदारों से, हे चौकीदारों काटने को पार्टी, ये क्या रखा है, कोई अंदर पतित तो है नहीं और नाम लिख दिया पतित पावन। मैं हरि पतित पावन सुने, हो पतित तुम पतित पावन दोनों बानक, हमारी तभी जमेगी कि तू पावन और मैं पतित, इसी दोनों मेरे बिना तेरा नाम ये पूरा नहीं होगा, उसी से तेरा नाम पतित पावन। नाम ही को चिंता होती है कहीं मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, और रूप वाले को चिंता होती है कि मेरा रूप जीर्ण हो जाएगा, कमजोर हो जाऊंगा, नजर कर जुर्रिया पर सेब के सिमटे हुए रुख पे, ये वो बिस्तर है जिस पर दम तोड़ा तेरी नौजवानी है। शरीर शरीर बड़ा उपदेश देता है सब, देह बड़ा बहुत उपदेश, तो चिंता होती है। अब जिसका नाम और रूप दोनों मिट जाए उसको काहे की चिंता, जिमी सरिता सागर मह जाए, डूब जाती, सरिता जल जल निधि मह जाए, होई अचल जिमी जीव हरि पाए। तो एक किनारा ज्ञान वो खड़ग है कालिका का, एक किनारा वैराग्य वो ढाल है, जहां गंगा गंगा सागर में विलीन हो जाती है वो निश्चिंत अवस्था है, और जहां से प्रकट होती है वही तो उनका वरदाई रूप है। वो वरदान देना नहीं चाहती तो क्यों प्रकट होती, हाँ साहब। और इसलिए हम लोगों ने गौमुख की गंगा को इतना नहीं पूजा जितनी हरिद्वार की गंगा ने पूजा है, क्योंकि गौमुख की गंगा दुर्लभ है, वो तो वरदान देती देती हरिद्वार में आती है तो सब कोई उनका लाभ ले सकता है, ये वरदाई रूप है, जहां से प्रकट हुआ ये वरदान रूप है, ये चौथी भुजा है वरद भुजा।
गंगा कितनी करुणा करती करती माँ आती है, फिर प्रयाग में आई, सबको मिलाती हुई फिर कलकत्ते में आई, फिर गंगा सागर में। तो जहाँ से प्रकट होता वो वरदाई रूप है, जहाँ विलीन हो वो निश्चिंत रूप है। एक किनारा ज्ञान का, एक किनारा वैराग का। तो ये चार भुजाएं माँ की हैं। अब पांचवा सूत्र लो साहब, कि शंकर भगवान बीच में आ गए। तो गंगा के बीच में शंकर ही तो आए, आवेग से आ रही थी। और गंगा ने कहा कि कोई माई का लाल मुझे जटा में ले, वो तो फोर्स से आ रही थी, जैसे काली का एकदम तीव्रता से जा रही थी। और भगवान शंकर वो उसकी गति तोड़ने के लिए कालिका के पैर में गिर गए और उसका पैर रख देते, और वो फोर्स जो आ रहा था गंगा का, कोई दुनिया में नहीं था, उसको धारण करे। तब भगीरथ ने शिव की स्तुति की, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरी पूरी तपस्या विफल हो रही। तो गंगा को सीधा आना था, तीव्रता से आना था, आवेश और आवेग से आना था, इसमें जटा खोल करके ये दुर्जटी खड़ा हो गया बीच में। यही शंकर का रूप का बीच में आने का प्रमाण है। भगीरथ की स्तुति सुनी गई, कहा कि प्रभु मेरे पूर्वजों का उद्धार के लिए गंगा तो आने के लिए तैयार, लेकिन कहती है कि मैं पृथ्वी को अस्त व्यस्त कर दूंगी, मुझे कोई धारण करे। तो भगवान शंकर को हुआ कि चलो मैं बीच में आ जाऊं, कम से कम उनको वेग रोकना है, कालिका का वेग रोकना है। इसलिए बाबा खड़े हो गए समाधि में, थे तो खड़े हो गए, सावधान स्थिति में खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पर रखा और जटा खोल दी महादेव, और ललकारा कि तू आ। और गंगा जी ने देखा कि हिमालय का एक साधु बाबा मुझे चैलेंज कर रहा, उसको पता है कि मैं कौन हूं। महाराज जरा दो बार सोच लो, शंकर जी ने कहा तू तीन बार सोच ले, मैं दो बार सोचू तू तीन बार सोच, मुकाबला हो तब पता लगेगा, आओ। बड़ा सुंदर प्रभावक दृश्य है ये। अरे साहब गोमुख से निकलती है, कितनी प्रभावक रूप से निकलती है। गंगोत्री चूल पानी बजे हम भवान पते भाव गए, निकल लो लेनी चाहता। ये बड़ा अंगमद ने आभे थी उतरी, तो हेरो लेजर सेंटर में हूं कथा करता था मैं। छूट गया ना यार, पूरा कर दो तो मैं बोलू, तो मैं तो अपनी अदा से बोलूंगा, इधर उधर मैं कोर्स करके थोड़ा, मुझे तो फोर्स बुलवाता। तो लोग पांच मिनट पूरा हॉल तालियां लगाए, मैंने खबर नहीं कि पीछे शू था, जब अहियाँ शू छू तमने बनने दिख पीछे शू थे, ऐसे सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी तो बात नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें इतना उत्साह में लोग तालियां बजाएं, क्योंकि वक्ता को तो पता होता है कि कौन सी बात चोट करने वाली उसने बोली। पांच पांच मिनट में सब ताली बजाए, बाद में मुझे पता लगा। मैंने कहा कि क्या था भाई, बोले बापू आपके पीछे हनुमान, अब दीवार पर एक हनुमान जी का चित्र लटकाया था, उस पर फूल रखे थे, तो अब मैं बोलूं तो व्यासपीठ हिले, व्यासपीठ हिले तो मंच हिले, मंच हिले तो पीछे का पर्दा हिले, पर्दा हिले तो छवि हिले, छवि हिले इनमें से फूल गिरे, अब गिरे तो लोग चमत्कार माने, कहा हा 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 हा। अब आप लोग इसी में ही देर कर रहे हो, ये सब देर, आध्यात्मिक यात्रा का ये स्वभाव नहीं। अब मैं हिलू तो पर्दा हिलेगा हनुमान, और उसको चमत्कार माने, हाँ हाँ बापू बोले और फूल गिरे, बापू बोले और फूल गिरे, फूल वाणी में गिरवा जो ये हनुमान ऊपर ती गिरे ही नहीं, फूल तो बानी से निकलने जाएगी। हमें जाण्यू कि तमारू जिगर बाग जेवू छे, तो कोणे कहूं कि हंसवाती एमा फूलड़ा जरे नहीं, बानी में से फूल हनुमान ना फूल। मैं कीधु हनुमान ने कड़क बांधी दियो, त्या
उसको मुस्केटाट बांधो। अपनी एक कथा बगाड़े, हनुमान कोई दी कथा बगाड़े? हनुमान तो कथा के रसिया है। पछी मजबूत एने बांध्या, मैं कीधु फूल चढ़ावानु बंद करो, काले तमे एना उपर तेल चढ़ावजो, तेल ना रगड़ा मारा उपर आवशे। जो माथे ज अहींया जो हनुमान होय अने आ भक्तो नु तो काई ठेकाणु नहीं भाई, यहाँ तेल चढ़ावे, आटलो खर्च करे ने एक डब्बा तेल नो हूँ खर्च मांगो पड़े। हाल ले उड़ 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 आयो बधु मारा उपर, शियाळा में तो हार हूँ। यार क्या यार, समय ते केवू करो छो यार बधा। ठीक छे, चमत्कारों में मत जियो साहब, सावधानी से जियो। तो हम माँ गंगा की भुजा के रूप देख रहे, तो शंकर भगवान बीच में आए, अंगमा मदने आभे थी उतरी, पछी पड़ता था धोधमार पानी, जटामा गंगा जी ने समावी। भगवान ने कहा कि आ, वो उसने हिलेरी कौन जिसने चैलेंज किया गंगा को, कलकत्ते से शुरू हुआ था गंगोत्री तक जाने, जो एवरेस्ट सर किया था वो आदमी ने किया था ना, और फिर पहुंचा नहीं, कहते हैं कि पहुंच नहीं पाया था, गंगा के प्रवाह में उल्टा गया था ना, ऊपर 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 ऊपर। लेकिन भगवान शंकर ने जो कहा कि तू आ, कोई चिंता नहीं, और कहा कि इस जोगी को पाताल में उतारी दो। अहंकार लिए गंगा उतरी, तो बीच में महादेव उनके वेग को रोकने के लिए, भगीरथ के पूर्वजों का संसार का उद्धार करना है, इस प्रवाह तो सबको समाप्त कर देगा, महादेव को लोक मंगल के लिए उसको रोकना जरूरी लगा। इसलिए कालिका के चरित्र में जैसे आ गए बीच में, ऐसे यहां भी आए। बाबा ने जटा खोल दी, गामड़ा गाम में माँ जीतरी छोकरी ने तेल नाखवा माटे जेम एना वाळ खुल नाखे, पछी पांथिये पांथिये तेल नाखे, एम महादेव ने जटा खोली और गंगा का ये अद्भुत बहुत प्रभावक प्रवाह शंकर के एकदम मस्तक पर आया। आते ही बाबा ने इसे मुंह किया और जटा जो बिखरी थी उसको बांध ली, और गंगा बंदी हो गई कि कहाँ से निकलूं। और शंकर जी को काम को जलाने के बाद जरा गर्मी चढ़ गई थी, तो लगा कि अच्छा हुआ ठंडक हो रही, मीठा पोता मुखिया जाने बाबा बैठ ऊपर। पार्वती को इस एक सखी ने कहा कि भोले महाराज से ब्याह करने से क्या फायदा, इनके घर में तो कुछ नहीं है, स्मशान में रहता है। बोले वहाँ ही फायदा है, क्या कि पानी भरने की झंझट नहीं, पूरा वाटर वर्क्स मारा ई नहीं माथे, मेरे प्रभु के ऊपर पूरा वाटर वर्क्स, पानी भरने की चिंता ही नहीं। गणपति ना हुए तो आम लाइन उभी रही ना, ले खोलियो खखोलियो कर लेने पर ले जाओ, कार्तिक ने ना हुए इतने एक आ बाजू नवड़ाई दो, अन बे ने रमो तो जटा में स्विमिंग पूल में बे जाए ने निकले ने जाए ने निकले, पाजू खोखड़ियों थी जाए तो शंकर ना तीजरा नेत्र माथी अग्नि निकली हुए न्याय ने शेक करूं। घर का मामला बड़ा ऐसा कोई गृहस्थ विश्व में नहीं हुआ, और घर में ही लाइट चंद्रभाल में पावर कट का प्रश्न ही न हो। बालेंदु जिसके भाल, भगवान शंकर बहुत। पार्वती को किसी ने पूछा कि ऐसे भोलेनाथ से ब्याह, बोले सबसे बड़ा फायदा शर्मा ही पार्वती, ऐसा बोलूंगी तो कोई हंसेगा अच्छा नहीं लगेगा। बोले नहीं बहन बोलना, क्या बात है सबसे बड़ा फायदा क्या? बोले सबसे बड़ा फायदा ये सास ससुर ही नहीं, क्योंकि शंकर अजन्मा है, ना कोई उनके माँ है ना कोई उनका बाप है, अजन्मा है स्वयं, तो सास नहीं ससुर नहीं, ये सबसे बड़ा फायदा। भूत प्रेत, शंकर भगवान ऐसे महादेव, कोई आदमी को अपने अपने प्लॉट में रखा ही नहीं, भूत प्रेत को ही रखा, क्योंकि उसको पता है कि भूत अच्छे, बाकी भूत बहुत अच्छे। बे भूत भेगा थिया ना, तो एक भूत भेजा ने कहे
માણસથી બીવે છે શું એમાં? બસ હમ લોગ કહેતે ભૂત સે ક્યું બીતે હૈ, લેકિન ભૂત એસા આજકલ બોલતે હૈ કે માણસ સે ક્યું બીતા હૈ. ઇતના આદમી ભયાનક હો ગયા હૈ કે ભૂત ભી ભયભીત હો જાતે હૈ. એસા હૈ, સબ બદલ ગયા સાહેબ. અબ દેખો કહી સાપ કમ દિખાઈ દેતે હૈ, પહેલે તો હર જગ્યા સાપ દિખાઈ દે, અબ સાપ કિસી કો ડસતે નહીં, ક્યોંકિ આદમીને કામ શરૂ કર દિયા. ભાઈ કો ભાઈ ડસતા હૈ, બેટા બાપ કો ડસતા હૈ, બાપ બેટે કો ડસતા હૈ, પત્ની તો એક દિન સુબહમાં એક પત્ની એક બહેન કાંતુ એક દૂધ કા કટોરા લિયા, ઉસમે કેસર ડાલા ઓર અપને પતિ કે પાસ લે ગઈ. કુંભન, કુંભનદાસ તો અષ્ટ સખાઓ મેં હૈ એક, લેકિન આ કુંભો ખોટો કુંભો. કુંભન દૂધ પીઓ તો કુંભન કો લગા કે 35 સાલ હો ગયે શાદી કે, તુને ઇતને પ્યાર સે આગ્રહ સે કભી ચાય કા ભી નહીં પૂછા, ઓર આજ તું કટોરે મેં દૂધ લાકર ઇતના પ્યાર ભરા નિમંત્રણ, મામલા ક્યા? નહીં પીઓ કુંભુ કુંભુ. એસે દુલાર મેં એસે લોગ બોલતે હૈ ને, દુલાર ખાલી બોલને મેં હોતા હૈ. તો વો બેચારા એકદમ સ્તંભિત હો ગયા કે ક્યા આજ ક્યા હો ગયા, કલયુગ પૂરા હો ગયા, ફિર સે સદગુ સદયુગ આ ગયા ક્યા, કે યે મુજે દૂધ તો બાર બાર આગ્રહ કરે, આજ પીઓ પ્લીઝ આજ, ફિર એક સાલ નામ નહીં લુંગી, આજ પીઓ. તો કહા કે આજ હૈ ક્યા? બોલે આજ નાગપંચમી હૈ, ઓર મેં કહાં નાગ ખોજને જાઉં, મુજે તો સબ કુછ આપમે હી દર્શન હોતે હૈ, બસ બસ મારે તો સાબ હાથી કે પેર મેં સબ પેર સમા, મારે તો બુદ્ધિ. દૂધને ઢોળી નાખ્યું બજારમાં, આવ્યું હા જુધી ઘરે ના, જો ઘડીક આવીને કહી ગયો કે હું આવવાનું નથી, પણ પૂછ્યું એણે કે રસોઈમાં શું બનાવ્યું છે, એટલે પત્ની તો ગુસ્સામાંથી દૂધ ઢોળીને ગયો હતો, એટલે ક્યાં બનાયા હૈ કે ઝેર, તો કે હું બહાર જમીન આવ્યો છું તું ખાઈ લેજે, મેં બહાર ખા કર આયા હું, જો રસોઈ તને બનાવી તું ખા લેના, કે મેં બહાર ભોજન કરકે આયા, જે બનાવ્યું તું થોડુંક ખાઈ લેજે. આદમીને ડસના શરૂ કર દિયા હૈ, એસા કુછ હુઆ હૈ. તો બાપ મેં ચર્ચા કર રહા હું, ભગવાન શિવ યહાં ભી તો બીચ મેં આયે હૈ, તો ગંગા જટા મેં ખો ગઈ, રાસ્તા ખોજ રહી હૈ, લેકિન કહી રાસ્તા નહીં મિલા. ભગીરથ બેચારા દેખ રહા હૈ કે ગંગા તો આઈ, લેકિન એ બાબાને દૂસરી નોબત ખડી કર દી કે જટા મેં રખ લી, બાબા બહાર નિકાલો. તો ભગવાનને કહા થોડી દેર રહેને દે, બહોત પ્રાર્થના કી, તબ ભગવાન શંકરને જટા ખોલી, ઓર જટા શંકરી નામ કહાયો ત્રિભુવન તારન આઈ. જટા શંકરી બન કરકે નિકલતી હૈ. તો મેરા કહેને કા મતલબ રહા કે એ પાંચવા લક્ષણ ભી યહાં પૂરા હોતા હૈ કે શિવ બીચ મેં આતે હૈ. છઠ્ઠા લક્ષણ જીભ, પ્રવાહ હી જીભ હૈ, લહેરાતી હોઈ મચલતી હુઈ હવા મેં છમ છમ, હમારે સંગ સંગ ચલે ગંગા કી લહેરે. યે જો જબાન કી જો લહેર હૈ, માં ભવાની કી જીભ, વહી તો ભાગીરથી કા પ્રવાહ હૈ, ઉસી કી જબાન, ઉનકે વચન હી ગંગધારા હૈ, જો હમને પવિત્ર કર, જૈસે સદગુરુ કે વચન હમકો પવિત્ર કર દેતે હૈ, ઉસી પ્રવાહ મેં હી તો હમ પવિત્ર. તો યે પ્રવાહ મેરી દ્રષ્ટિ મેં જીભ હૈ. અબ એક વસ્તુ બાકી બચી હૈ જો ફિટ નહીં હોગી, મેં ક્યાં કરું યાર, થોડા મદદ કરો, પ્લીઝ હેલ્પ મી. ગંગા કા રંગ કાલા નહીં હૈ ઓર કાલિકા કા રંગ કાલા હૈ, તો સૂત્ર તો મેં બદલ નહીં સકતા, ઓર ગંગા ગોરી હૈ પ્રમાણ.
देखत श्यामल ओ धवल हिलो रे पुलक शरीर भरत कर जो। तीर्थराज प्रयाग में उज्जवल गंगा के हिलोरे और श्याम वर्णी जमुना के हिलोरे को देखकर भरत जी कर जोड़ते हैं। देखत सामन धवल हिलो रे अपुलक शरीर भरत कर जो। तो श्याम तो यमुना है, गंगा तो गोरी है। हाँ, यदि ऐसा अर्थ करो तो सांवरी कह सकते हो कि जमुना जब प्रयाग में मिली तब जमुना के ही श्याम वर्ण के कारण गंगा श्याम हो गई, लेकिन ये तो ठीक नहीं पड़ेगा क्योंकि धारा दोनों, एक भक्ति धारा है एक कर्म धारा है, दोनों के रंग भिन्न है, रंग भिन्न रहने ही चाहिए। नहीं, गंगा भी काली होती है। कब? हम सबके पाप हम उनमें डालते हैं साहब। ये तो कोई साधु की करुणा होती है कि कभी न कभी कोई ठाकुर जैसा एक बार डुबकी लगा देते हैं तो फिर उसको उनके मूल रूप में ला देते हैं। बाकी हमारे पापों ने गंगा को भी काली बना रखी है, यही अर्थ लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं। और बात भी तो सही है कि हम ठाकुर कहा करते थे, ठाकुर को किसी ने पूछा कि गंगा में कोई नहाए तो पाप मिट जाए, कहते हैं हाँ पाप तो मिट ही जाए। और मैं भी बहुत श्रद्धा के साथ आपको कहूँ कि गंगा में नहाए और पाप न मिटे ऐसा मैं त्रिकाल में मानने को राजी नहीं हूं। गंगा गंगा है, गंगा में कोई भी नहाए पाप मिटता है। तो ठाकुर को जब पूछा गया कि नहाने के बाद फिर लोग क्यों पाप करते हैं, बोले गंगा में नहाने से पाप मिटते हैं, पाप की वृत्ति नहीं मिटती है। पाप की वृत्ति तो सत्संग में ही मिटती है, इसलिए सत्संग गंगा है। जितनी भी वृत्ति मिटेगी वो सत्संग से माध्यम से। गंगा में पाप फिर भी हम पाप करते क्योंकि वृत्ति नहीं जाती। और इन हमारे कलुषों से कलुषित होते होते एक सूत्र के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में वो काली बन जाती हैं। फिर कोई साधु आता है, नहाता है और फिर वो उज्जवल हो जाती हैं। भरद्वाज रोज नहाए और रोज उज्जवल हो जाए, बाकी तो हम लोग उसको काली कलुषित कर देते हैं। तो इसी अर्थ में उसका रूप काला है, प्रवाह के रूप में वो जवान है। शंकर जी तो बीच में आए ही हैं और ज्ञान बैराग निश्चिंत दशा और वरद दशा ये माँ की चार भुजाएं हैं, उसी को गोस्वामी जी मोह महेश कालिका कहते हैं। मान कुछ भी तुलसी तव तीर तुलसी तव कालिका महेश कालिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय जय भगीरथ नंदिनी जय श्री गंगा जी कालिका है। मेरी समझ में इस रूप में वो कालिका है। तो तात सुनहूं सादर मन लाई कथा राम के कहूं राम कथा सुहाई महामोह महिषेश विशाला राम कथा
कालिका कृपाला। तो है इसी कालिका का दर्शन पक्ष हम लेकर के इन दिनों में कथा का गान श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा को यहाँ विराम दूँ, इससे पूर्व कुछ मिनटों के लिए भाव से भगवान नाम का संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति राम लखन सीता सहित वेद बस आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत दर्शन करेंगे। भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, सदगुरु भगवान। नमः पार्वती पते हा।